एक सेकंड एक सक आईपैड अंदर मेन्ज करा लगे ना जस्ट अ सेकंड लेट एड फिक्स द केबल कट गया परफेक्ट शूट की जरूरत है ना क्या गया तो कीबोर्ड ये चलो करो हेलो हेलो ऑडियो आ रहा है ना

it is not necessary because if you look at uh, some prominent examinations like for example CFA which is completely based on finance and again completely based on mcqs and if you look at their passing percentages for the CFA level 2 level 3 that is similar to 30 35% on mcq basis icai has a combination of both plus it is icai don't forget that. So, even though the syllabus changes are too, in certain chapters cosmetic and uh, certain new chapters have been added, it is completely different because of MCQs. And maybe within the MCQs, you could get the case studies. I don't expect 30 MCQs to be there. They could give you some case studies, and based on that case, there could be 4 5 MCQs of 8 10 marks. What combination i say will make directly we will come to know in may 2024 okay so we are going to cover up all the chapters in new syllabus roughly we should take about uh, 90 to 100 lectures of two hours two and a half hours here there plus minus so be prepared for at least 200 to 225 clock hours time schedule इन सी ए फाइनल वेन्यू कम अप आई थिंक दिस माइट बी द फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकेंड सब्जेक्ट फॉर यू पीपल वट एवर द केस में मेजर चेंज एट आई सी इन द स्टूडेंट्स ना आर्टिकलशिप में वो एक्सेल पर काम करने की आदत लग गई लग गई होती है कैलकुलेटर पर आई आर आर आज अगर निकलने को बोलूँ मैं आधे लोगों को मतलब आई आर आर क्या है वहाँ से शुरुआत होगी फुल फॉर्म याद होगा बट क्योंकि कैलकुलेटर पर आदत ही चली गई है और दूसरा लिखने की आदत दोनों जा चुके हैं और तीसरा एजम्शंस करने की आदत सी ए कोर्स में आपको बहुत सारे केसेस में एम्बिग्यूटी मिलेगा तो वो जो छोटे छोटे चेंजेस होते ना दे आर टू मेनी इन सी ए कोर्स तो सी ए फाइनल ये थोड़ी चीजें आपको है वो मैच अप करनी पड़ेगी यू हैव नाउ लेट्स आफ्टर योर आर्टिकलशिप अबाउट सिक्स सेवन मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम In case you are under the new structure, whatever be structure, let us focus on the syllabus now दिलेबस नाउ पहले एक ब्रीफ और क्या सीखना है हमें इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे चैप्टर्स ऐड किए हुए हैं मतलब अगर आप देखोगे देर आर typical थियोरी चैप्टर्स एंड somewhat कैलकुलेशन oriented चैप्टर्स दोनों का प्रॉपर मिक्सचर है अब एम सी क्यू थियोरी की वजह से तो पढ़ना मतलब एम सी क्यू वजह से थियोरी भी आपको पढ़ना पड़ेगा तो लेट मी किक स्टार्ट अबाउट वॉट इज द सिलेबस एक ब्रीफ और ही देता हूँ पाँच दस मिनट के लिए एंड देन वी गो हैड विद द कॉन्टेंट बिकॉज फाइनल में कोई टाइम पास करने का जरूरत नहीं मैं कौन हूँ क्या हूँ ये बकवास नॉन सेंस ड्रामा करने का जरूरत नहीं है तो फर्स्ट इट इज़ अ टिपिकल चैप्टर

ये तब तक आ जाएगा बट यहाँ से मैथ्स शुरू होता है टिपिकल मैथ्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा पूरा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थोड़ा बहुत नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा और रिस्क मैनेजमेंट बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने सुना होगा कि इतना इतना हमने पोर्टफोलियो है लोन्स का उसमें से या इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है जी सेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से में इन्वेस्टमेंट हो सकता है लोन का पोर्टफोलियो हो सकता है तो उस पोर्टफोलियो पे हमेशा रिस्क रहता है इट कैन बी रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाई दोरोस और इट कैन बी दिस मनी बी लॉस्ट। तो ऑन योर पोर्टफोलियो आई हैव टू मेजर वॉट इज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एट रिस्क इज बेसिकली नीड टू मेजर एक्सपोजर टू डिफरेंट डिफरेंट रिस्क इन बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री हाउ डाई मेजर रिस्क और चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट बट सी ए कोर्स में आप थोड़ा सा जब भी मैनेजमेंट आता है थोड़ा बहुत वो ड्रिफ्ट होता है शुरू होता है मैनेजमेंट से और अल्टीमेटली हम जाते हैं कैलकुलेशन की तरफ तो हमें कैलकुलेशन करने हैं मैनेजमेंट बाद में आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे थोड़े बहुत टेक्निक्स हैं मैनेजमेंट के बट क्वेश्चन जो आएगा वो कैलकुलेशन पर आएगा तो एक कॉन्सेप्ट है वैल्यू एट रिस्क उसका कैलकुलेशन करना है मैथ्स के साथ सो यू आर गोना रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ मैथ्स अब मैथ्स से फैमिलियर कैसे हो जाओगे है तो गंदे गंदे फॉर्मूलाज तो वो फॉर्मूला याद रखने के अलावा अगर आप थोड़ा बहुत एक्सेल के ऊपर मैं बहुत सारा एक्सेल यूज करने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो इफ यू कैन फेमुलराइज यूर सेल्फ विद दीज कैलकुलेशन ऑन एक्सेल आप लोग अभी ऑफिस में एक्सेल ही यूज़ करते हो आई होप कोई ऑफिस में पेन पेपर तो नहीं हो मतलब एक्सेल थोड़ा सा आप एक्सेल पे कैलकुलेशन चेक करोगे ना यू विल गेट अ कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस कि भाई जो हम सीख रहे हैं ना वो लॉजिकल है ऐसा बकवास नहीं है बट कैलकुलेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में आपको लगेगा अरे क्यों मैं इतना कर रहा हूँ वाई एम आई स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम इन कैलकुलेशन इट्स बेसिकली बिकॉज यू डोंट हैव चॉइस तो रिस्क मैनेजमेंट है ये चैप्टर पहले भी था अभी आ चुका है लेकिन चेंज्ड फॉर्मेट में है दिस इज कम्प्लीटली न्यू चैप्टर एंड दिस इज गुड वन आपने इंटरमीडिएट में कैपिटल बजटिंग सीखा होगा योर डिस्कशन ऑफ कैपिटल बजटिंग वॉज प्राइमरली रिस्ट्रिक्टेड टू कुछ याद आ रहा होगा तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन आई आर आर कैलकुलेशंस पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कुछ थोड़े बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें याद आ रही तो So you did not talk about how price change in your goods or raw material or wages or other expenses will affect the outcome of a project. I'm setting up a new factory or a new plant. How will the change in raw material prices affect my project's viability? That is inflation ka impact. We did not discuss what if the project is in foreign country you will be exposed to currency fluctuations. We did not talk about a uh, lot of things like what if my capital structure changes, how I finance my project. Let's say I am financing my project, 80% equity, 20% debt. And instead of that, I change it to, let's say, 50% equity, 50% debt. How my project's evaluation will change. So all Saudi things, in the institute, एडवांस कैपिटल में डाली है। डोंट क्वेश्चन ऑन टिपिकल कैलकुलेशन ऑफ अल्टीमेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट आपको कैश फ्लो, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट समझना फोरकास्ट कंपनीज ग्रोथ रेट एक अच्छा चाला चैप्टर जो है यहाँ पे कैपिटल बजटिंग डाला है Then, आपने टेलीविज़न पे आप अगर न्यूज़ चैनल देखते हो तो बहुत सारे एनालिस्ट हर रोज आते हैं और ये कॉल देते हैं ये लेवल का स्टॉक का प्राइस जो है ये लेट्स से टाटा मोटर्स है टाटा मोटर्स में आज ब्रेकआउट हो चुका है टाटा मोटर्स ने ये पर्टिकुलर पैटर्न अचीव हो चुका है ये पैटर्न अगर आ गया तो ये रेट आएगा वो क्या है टेक्निकल एनालिसिस आपको नहीं करना है डरिए मत आपको उसका थेरी पढ़ना है तो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर थोड़ा बहुत थियरी है और बाकी जो है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ बिजनेस तो वो सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर में है यहाँ पर कॉम्बिनेशन है डिस्क्रिप्टिव एंड सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर तो सिक्योरिटी एनालिसिस फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस देन यू हैव वंडरफुल चैप्टर एक्चुअली टू चैप्टर्स है ऑन वैल्यूएशन हाउ डू आई अराइव एट अ फेयर प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स debenches or bonds, and number three is business. Business valuation chapter is below. But principles are same valuation. So it is not just the arriving at a fair price. It is understanding inputs that are required to arrive at fair value. Price at which bonds or equities are trading may not be fair price. Or let us say you want to do an मर्जर यू वॉन्ट टू अक्वायर समबडी एल्स इज बिजनेस तो आप जब किसी का बिजनेस एक्वायर कर रहे हो तो उसके लिए आपने कितना प्राइस पे करना चाहिए देर शुड बी टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ हैव टू चैप्टर्स इज ऑन वैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी इन दिसक मोर अबाउट इक्विटी शेयर वैल्युएशन एंड बॉन्ड्स वैल्युएशन तो फर्स्ट देर आर फ्यू चैप्टर्स ऑन इक्विटी एंड देन देर इज अचर्स एंड बॉन्ड तो गुड चैप्टर ऑन वैल्यूएशन इसका सिस्टर नीचे है विच इज बिजनेस वैल्यूएशन अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया यहाँ पे नए सिलेबस में थोड़ा बहुत वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस डाल दिया है अगर आपको मालूम है तो हमारे कंट्री में आई ने वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स इशू किए जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या कंपन सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स है तो वैसे ही आई सी ए आई इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग वैल्युएशन स्टैंडर्ड्स सो आईसीआई ने बहुत सारे वैल्युएशन स्टैंडर्ड्स इशू किए उसका कुछ रेफरेंस और वैल्यूअर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी लॉ के अंदर आपने एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर पढ़ा होगा या ऑफिस में कहीं काम किया होगा वैल्युएशन का रजिस्टर्ड वैल्यूअर अंडर कंपनी लॉ तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ एड किए है टिपिकल चैप्टर ऑन पोर्टफोलियो basket of securities is a portfolio can i increase my return by minimizing risk the portfolio is not understanding meaning of portfolio it is basically understanding how do i calculate return of a portfolio how is that return of portfolio going to be affected by individual constituents of your portfolio like in my portfolio if i add all banking stocks और लेट से मेजोरिटी स्टॉक्स फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर लेट मी डू थर्टी परसेंट अलोकेशन टू बैंकिंग लेट मी एड ट्वेंटी फाइव परसेंट आई टी लेट मी एड ट्वेंटी परसेंट कैपिटल गुड्स एंड लेट मी एड बैलेंस एज ऑटोमोब और अदर सेक्टर्स और एफ एम सी जी तो अगर मेरे पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स आ गए तो वो मेरे पोर्टफोलियो के रिटर्न को कैसा अफेक्ट करेगा वो मेरे पोर्टफोलियो की रिस्क जो है उसको कैसे अफेक्ट करेगा रिस्क मेजर कैसे करना है एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रिशोज कैलकुलेट करने रिवॉर्ड इज रिटर्न वो कैलकुलेशन आपको पोर्टफोलियो के ऊपर है बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स है इसमें नोबेल प्राइज विनिंग मॉडल्स है कुछ मॉडल्स आज की तारीख में काम नहीं करते हैं बट देर आर अ थेटिकल फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड रिस्क एंड रिटर्न यू हैव वन वंडरफुल चैप्टर ऑन सिक्योरिटाइजेशन इंटरमीडिएट में आपने वो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस करके एक चैप्टर था बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन को छोड़ा होगा तो उसमें डेट सिक्योरिटाइजेशन करके एक छोटा सा शॉर्ट नोट था तो व्हेन अ बैंक हैज ऑलरेडी गिवन द लोन टू द डिफरेंट डिफरेंट बोरोवर्स एंड द मनी ऑफ अ बैंक इज ऑलरेडी स्टक इन द लोन एंड बैंक नीड्स टू रिसाइकल द फंड्स फॉर एग्जांपल आई एम आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लोन्स देके रखे हैं हाउसिंग लोन्स है ऑटोमोबाइल लोन्स है डिफरेंट डिफरेंट लोन्स है आई विश टू और फंड लोन्स अगेन मतलब लोन दिया मतलब मेरा फंड्स ब्लॉक हो गया है वो लोन के अगेंस्ट मुझे और फंड्स रेज करने हैं हाउ डू आई डू इट आई विल बेसिकली यूज सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट which was one of the reason why global financial crisis happened in 2008 how does the securitization work you have exposure to that here so bank is gonna convert all its loans into a separate entity transfer it to the separate entity and then that separate entity will sell the loans in the market through the bond instruments yeah it can be a non-performing assets also बैंक ऑलरेडी हैज पोर्टफोलियो ऑफ एनपीए वो एनपीए का पोर्टफोलियो किसी और एक एंटिटी को ट्रांसफर करते हैं इंडिया में उसको हम बोलते हैं ए आर सी अट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इ सेपरेट लॉ दैट वी हैव इन आर कंट्री सार फसाई करके एक लॉ है टू थाउजेंड थ्री का तो अंडर दैट लॉ इट अलाउज यू टू ट्रांसफर बैड लोन्स और एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स टू अ सेपरेट एनटिटी एंड देन दैट एनटिटी कैन एंश्योर रिकवरी सो ऑल ऑफ दैट इज कवर्ड हियर टू एन एक्सटेंट थियरी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ज़्यादा है यहाँ पर कैलकुलेशन से लेकिन इसका अकाउंटिंग आपको एफ आर के सिलेबस में आएगा बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पर ऐसे है जिनका अकाउंटिंग या रेफरेंस आपको एफ आर में आएगा आपने ऑलरेडी एफ आर पढ़ा होगा या पढ़ोगे जभी कभी फिर ये म्यूचुअल फंड वाला चैप्टर है इसमें बेसिक म्यूचुअल फंड के टाइप्स वगैरह वो थियरी वाला पार्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ डू आई इवेल्युएट म्यूचुअल फंड मैनेजर्स परफॉर्मेंस विजा विज इन्वेस्टर्स रिटर्न मैं एक म्यूचुअल फंड मैनेजर हूँ रियली मेरा परफॉर्मेंस अगर आप स्कीम देखोगे म्यूचुअल फंड का कोई भी स्कीम देखोगे टू जज माई परफॉर्मेंस आई नीड टू सेपरेट एक्शंस ऑफ इन्वेस्टर्स एंड एक्शंस ऑफ फंड मैनेजर क्यों मार्केट जब टॉप पे होता है लाइक निफ्टी अभी बीच में बीस हजार टच किया था ऑलमोस्ट तब क्या होता है मार्केट में अपना टिपिकल रिटेल पब्लिक जो है वो मार्केट जब ऊपर जाने लगता है या ऊपर जाता है तब पैसा डालना शुरू करता है और जब मार्केट नीचे आने लगता है तो अपना पब्लिक जो है वो पैसा विड्रॉ करना शुरू करता है एक मैं फंड मैनेजर हूं लॉजिकली मार्केट लाइफ टाइम हाई पे या मार्केट का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है तो यहां पर ये हाई लेवल पे वैल्यूएशन जब ज्यादा है तब लोगों ने पैसा नहीं डालना चाहिए ज़्यादा बट ये तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा दुकान है धंधा है धंधा तो चालू रखना पड़ेगा बहुत कम फंड मैनेजर्स होते हैं जो मार्केट का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो चुका है या उनको लगता है कि रिस्क है अभी यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए सो देन दे स्टॉप आई दे स्टॉप लमसम इन्वेस्टमेंट

तो अब मुझे फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस इवेल्युएट कैसे करना है क्यों इनफ्लो ऑफ मनी इन टू द म्यूचुअल फंड और आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ फंड मैनेजर यह डिसीजन कौन लेता है पैसा डालने का या पैसा विड्रॉ करने का ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स का पैसा यार फंड मैनेजर उसको मैनेज कर रहा है अब आपको यह समझना पड़ेगा कि मुझे अगर म्यूचुअल फंड को इवेल्युएट करना है स्कीम को कोई तो फंड मैनेजर की जो एक्शन है और इन्वेस्टर की जो एक्शन है इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा Degregate करना पड़ेगा सेपरेट करना पड़ेगा और सेपरेट करके जब आप उसको देखोगे तब जाके आप इवेल्युएशन सही से कर पाओगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको यहां पे म्यूचुअल फंड वाले चैप्टर में रखा है एंड देन यू हैव तो तो थोड़ा बहुत आपका नॉलेज है फ्यूचर्स ऑप्शंस का आप खेल रहे होगे आर्टिकल आर्टिकलशिप के स्टाइपेंट पे तो गलत है स्टाइपेंड आपका उतना ज़्यादा नहीं है इट इज़ नॉट अ रिस्क कैपिटल स्टाइपेंड पे आपने मैक्सिमम एसआईपी ही कर सकते हो आप मतलब तो अगर कुछ बचता है उसके बाद खर्चे के बाद तो डिपेंड्स तो डेरिवेटिव्स का आपको थोड़ा सा मतलब एक्सपोजर है यू आर नॉट सिलेबस इज नॉट गॉन्ट कवर अप द स्ट्रैटेजीज कि कौन से कौन से स्ट्रैटेजीज यूज़ करके हम पैसा कैसे कमाएं मैं आपको थोड़े बहुत स्ट्रैटेजी एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करूंगा वो लेक्चर के पहले मैं डिस्क्लेमर डालूंगा कि दिस इज एक्स्ट्रा जिसको सुनना है लेक्चर सुन सकता है जिसको नहीं सुनना है हाँ। मत सुनो मतलब मैं बहुत सारे लेक्चर्स में आपको ऑप्शन देने वाला हूँ दिस इज एडिशनल वो वहाँ पर रिकॉर्डेड पब्लिक तुम भी देख रहे हाय अगर तो पहले लिख के आएगा दिस इज एक्स्ट्रा फीचर तो आपको करना है तो आप कर सकते हो यहां पर मेजरली सिलेबस इज फोकसिंग ऑन वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर्स ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मीनिंग ऑफ देम एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस बट बेटा प्रॉफिट लॉस निकालने के पहले ट्रेड कैसे लेना है वो नहीं सिखाएंगे क्यों हमें ऑडिट में लगता क्या है प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट किया टैक्स ऑडिट के लिए अभी आप टैक्स ऑडिट का सीजन चालू है तो ऑफिस में टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करें फ्यूचर्स ऑप्शंस का वहां तक ही हमारे प्रोफेशन की लिमिट है ऐसा लोग समझते हैं मुझे नहीं लगता है अगर आप ठीक तरीके से इस चैप्टर को समझोगे देयर इज अ डिसेंट स्कोप टू अर्न डिसेंट मनी बाय डूइंग सेलिंग ऑफ ऑप्शंस रादर देन बाइंग ऑफ ऑप्शंस जो तुम आर्टिकल आर्टिकलशिप में कर रहे होगे ऑप्शन बाइंग कर रहे होगे और पैसा डुबा रहे होगे क्योंकि तुम्हारे पास वो कैपिटल नहीं है इट्स अ गेम ऑफ अ कैपिटल सो डेरिवेटिव्स का अंडरस्टैंडिंग वैल्युएशन एंड प्रॉफिट लॉस कैल्कुलेशन इज वॉट इज कवर्ड हिर आई विल बी इन ए वाइटी ऑफ चैप्टर्स आई विल बी सेग्रीगेटिंग सो दैट क्या है ना जिस बच्चे को सिर्फ एग्जाम ओरिएटेड से पढ़ना है या जिस बच्चे के पास आर्स कम है वो उतना ही कंटेंट देखें तो उसके लिए वो एक सौ सत्तर एक सौ अस्सी घंटे में खत्म हो जाएगा जिसको एडिशनल टाइम है इंटरेस्ट है वो एडिशनल कॉन्टेंट देखें चॉइस इज ऑल अप टू यू मार्केट है तो प्रोडक्ट प्रोवाइड करना पड़ता है बच्चों का ऐसा जरूर डिमांड है आजकल हमें ये नहीं चाहिए मुझे टू एक्स पे देखना है, तेरे को 2X पे, देखना है 2X पे देख जो करना है तू कर सकता है मतलब माउस तेरे हाथ में वंडरफुल चैप्टर ऑन फॉरेन एक्सचेंज सो फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स कैसे डिटरमिन होते हैं थे बैकग्राउंड ऑफ दैट फॉरेन करेंसी रिस्क जो है उसको हम कैसे मैनेज करें तो उसके लिए भी फॉरेन करेंसी के डेरिवेटिव होते हैं बट फॉरेन करेंसी के डेरिवेटिव्स में और स्टॉक या इक्विटी के जो डेरिवेटिव्स होते हैं इनमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस है लार्ज चंक ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव्स आर ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज बट फॉरेन करेंसी के जो डेरिवेटिव्स है ना ये नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कम होते हैं और ओवर द काउंटर ज्यादा ट्रेड होते हैं ओवर द काउंटर मतलब एक पार्टी यहां पर है दूसरी पार्टी वहां पर है दे मे नॉट मीट फिजिकली इट कैन बी ओवर अ फोन बट इट्स अ कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज रादर देन अ स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंजेस भी फॉरन करेंसी के डेरीवेटिव है बट उनका जो वॉल्यूम है क्वांटिटी जो ट्रेड होती है और जो ओवर द काउंटर ट्रेड होता है ह्यूज डिफरेंस है दोनों में तो so यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शन दैट यू विल गेट और कॉन्ट्रैक्ट दैट यू विल गेट आर टू मेनी इन केस ऑफ फॉरन करेंसी एक्सपोजर

रॉ मेटेरियल यूरोप से आ रहा है कुछ भी ले लो आप या रॉ मेटेरियल अफ्रीका से आ रहा है मैनुफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है सेल्स यूरोप में हो रहा है या यूएस में हो रहा है तो आई एम एक्सपोज टू डिफरेंट डिफरेंट करेंसी आई हैव मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस आई एम अ मल्टीनेशनल कंपनी आई हैव मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हाउ डू आई मैनेज माई वर्किंग कैपिटल हाउ डू आई मैनेज करेंसी रिस्क हाउ डू आई इवेल्युएट फॉरिन प्रपोजल्स वेन इट इज अपिटल बजेटिंग प्रपोजल्स इन आडिशन टू दिस इन रियल लाइफ यू टू ऑलवेज लुक एट नंबर क्योंकि हर एक कंट्री के अपने अपने टैक्सेशन के रूल्स रहेंगे डबल टैक्सेशन अवॉइड करना पड़ेगा आपको वो चेक करना पड़ेगा नंबर टू यू लो टू ऑल्सो चेक फॉर रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन इंडिया वी हैव फेमा रिस्पेक्टिव कंट्रीज foreign एक्सचेंज मैनेजमेंट लॉ तो वो भी आपको चेक करना पड़ता है तो so, उसका कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है देन जैसे हमने ऊपर इक्विटी डेरेविटिव देखे थे इक्विटी डेरिवेटिव आर बेसिकली गोइंग टू बी ऑन इंडेक्स एंड द शेयर स्टॉक्स बोलते हैं मेजोरिटी ऑफ द डेरेविटिव इन इंडिया आर ऑन इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी अभी के भी डेरेवेटिव चालू हो चुके हैं सेंसेक्स जस्ट रिसेंटली चालू हो चुका है उन्होंने पहले भी लॉन्च किए थे वर्क नहीं हुए थे नाउ दे आर स्टार्टेड अगेन तो इंडेक्स के ऊपर डेरेवेटिवस होते हैं वो हमें इक्विटी डेरेवेटिवस में लर्न करना है सिमिलरली देर कैन बी डेरेवेटिवस ऑन कमोडिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी तना दाल तूर दाल कॉपर तो वो डेरेवेटिवस भी ऊपर है डेरिवेटिव so, के लिए अंडर कैन बी कमोडिटी अंडर कैन बी इक्विटी शेयर लाइन कैन बी इक्विटी इंडेक्स करोकस्ड ऑन डेरिवेटिव सो अर्यर इट वॉज इक्विटी डेरिवेटिव यहां पर अगर आपने देखा है तो इसमें इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे नए नए आइटम्स एड किए कमोडिटी डेरेवेटिव वेदर डेरेवेटिव एड किया है इलेक्ट्रिसिटी डेरेवेटिव एड किया है और बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे फॉरन एक्सचेंज के डेरेवेटिव है एंड देन यू हैव डेरेवेटिव ऑन इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट विच आर प्राइमरली गोना बी यूज इन अ बैंकिंग इंडस्ट्री तो एक मैं बैंक हूँ मेरे पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है एज अ पार्ट ऑफ माई एस एल आर रिक्वायरमेंट एस एल आर लिक्विडिटी रेशो एस तो एल के पार्ट में मुझे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या बॉन्ड्स में करना पड़ता है बट जैसे ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता है उसके हिसाब से बॉन्ड की वैल्यूज चेंज होती है एफ था ये इंटर में वापस आएगा डरना मत आई नो यू पीपल थिंग्स तो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे गया तो बॉन्ड की वैल्यू भी चेंज होती है बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप रहता है इंटरेस्ट रेट ऊपर गया तो बॉन्ड की वैल्यू नीचे आ जाती है। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है मेरे जो डिपॉजिट्स उसका लेटेस्ट 18% इज प्लस मैंने थोड़ा रखा है, 20 मेरा bonds, Now, reason, कुछ डिसीजन लिया है या इन्फ्लेशन के नंबर अलग आ चुके हैं तो वो डिसीजन की वजह से बॉन्ड की वैल्यू फ्लक्चुएट होने वाली है वो फ्लक्चुएशन से मुझे अगर प्रोटेक्ट करना है खुद को तो देर इज इंटरेस्ट रेट डेरेवेटिव ये इंटरेस्ट रेट डेरेवेटिव ही ज्यादा ओ होते हैं ओवर द काउंटर दो पार्टीज के बीच में डील होता है स्टॉक एक्सचेंज पे भी ये इंटरेस्ट रेट डेरेवेटिव शुरू हो चुके हैं लेकिन वॉल्यूम्स इंडिया में अभी तक उतने नहीं है

फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जब आप एफ आर के अंदर करोगे ना तब आपको हेल्प करेगा सो यू शुड रीडिव हियर फर्स्ट एस एफ एम और एफ एम वो नॉल एंड देन गो टूवर्ड्स यूर एफ आर सिलेबस देन आई टोल्ड यू देर इज अ कजिन सिस्टर ऑफ वैल्युएशन ऊपर हमने बॉन्ड वैल्युएशन एंड सिक्योरिटी वैल्युएशन देखा था सिमिलर प्रिंसिपल्स आर गोइंग टू बी अप्लाइड फॉर वैल्युएशन ऑफ बिजनेस

करके कंपनी है वो सिगरेट बनाता है product, product है 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 ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट इसलिए आईटीसी में 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 इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसे लॉजिक लाके इन्वेस्टिंग का दुनिया भर में बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, तो उसका थोड़ा बहुत देखना एंड अकाउंट्स आपने इंटरमीडिएट

दिस इज़ जस्ट अ टिपिकल थियरी एक बुक चैप्टर है स्टार्टअप फाइनेंस एंड देन ऑब्वियसली यू आर गोट न रिक्वायर एक्सपोनशियल फंक्शन ई रेस टू एक्स की वैल्यूज नेचुरल लॉग टेबल ये डेरिविटीज़ के वैल्यूशन के लिए हमें लगने वाला है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारी चीज़ें आएगी ये सारी चीज़ें मैथ्स वाली जो चीज़ें ना वो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूँगा आई नो यू हैव फरगॉटन इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड स्कोर आई गिव यू नॉर्मल वैल्यूज एंड आई से कन्वर्ट दिस नॉर्मल वैल्यूज इनटू स्टैंडर्ड स्कोर स्टैंडर्ड स्कोर भी याद नहीं है अभी लोगों को. करके एक चीज सीखा था फाउंडेशन मेंसू अपॉन सिगमाकेट इट बी आराम से सिखाऊंगा नॉर्मल वैल्यूज को आप स्टैंडर्ड स्कोर में कैसे कन्वर्ट करते हो आपको थोड़ा बहुत मैथ्स वाला जो पार्ट है ना है बहुत सारा मैथ्स वाला पार्ट है द्वारा तो मैथ्स वीक हो सकता है इट्स एब्सोल्युटली ओके बट यहाँ पर थोड़ा अप्लाइड फॉर्म में है फॉर्मुलज कुछ कुछ है जो आपको मतलब लिटरली याद रखना पड़ेगा पूरे सिलेबस में मिला के मैं बोलूँ तो पाँच से दस फार्म है बस मैथ्स जो आपको मतलब भाई साहब इसको याद रखना ही पड़ेगा का वैल्यूएशन के लिए ब्लैक एंड स्कोल्स है लॉजिक में कितना भी एक्सप्लेन करूँ कुछ भी करूँ अल्टीमेटली आपको वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा एग्जाम के सुबह याद रखना ही पड़ेगा या आपके वहां पर बेंच पर जाके कुछ लिखने का प्रोविजन करना है दैट इज योर चॉइस आई नॉट रिकमेंडेड है कुछ फॉर्मूलाज है जहां पर आपको याद रखना है बट आर नॉट टू मेनी इट द एंटायर सिलेबस वेर यू नीड टू मग इट बट उसके पीछे के लॉजिक्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे बिफोर आई किसार्ट विद आई वॉन्ट टू फर्स्ट ऑफ ऑल कवर अप गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन

कपल्ड विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो बहुत लगने वाला है अपने ऑप्शन ही नहीं है तो हाउ मनी ऑफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट फॉर्मुला बेशर्म और एक को भी आप नहीं है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी नहीं एन्यूटी का मतलब तो याद है क्या ठीक है आई वॉन्ट टू कवर अप सर्टन बेसिक एस्पेक्ट्स टू किक स्टार्ट बिकॉज क्या होगा ना नहीं तो मैं चाहूँगा अभी वैल्यूएशन को शुरू किए फॉर एग्जाम्पल वैल्युएशन थी आई एम गो निक्वायर डी सी एफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज तो उसके लिए अल्टीमेटली घूम फिर के जो अल्टीमेट गेम आएगा वो आएगा वैल्युएशन के ऊपर या टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल याद है चैप्टर ने आगे फॉर टेल मी हाउ डू कैल्कुलेट कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल इन रिडीमेबल उसके अंदर टैक्सशील्ड विदाउट टैक्सशील्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीपल अप्रोचेस कब जाके मैं पी रेशो -E का इनवर्स लूँ कब क्या करूँ तो वो चीजें जो है ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टूट स्टार्ट विद द एफ एम सो आई एम नॉट स्टार्टिंग विद एनी स्पेसिफिक चैप्टर एज गिवन इन दिलेबस बट दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड जस्ट आपको डराने के लिए अगर मैं दिखाऊँ इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आते हैं मतलब इसके पहले का जो सिलेबस था SFM 2019 उन्नीस आठ माख दो हजार उन्नीस आठ मार्क हजार बीस आठ माख इक्कीस आठ माख इक्कीस आठ आठ ये पेपर में तो पूरा बेसिक ही बनाया था मतलब जिस किसी ने बनाया ना नहीं अच्छा अलग अलग है जान और जुलाई है कोविड वाला जुलाई ट्वेंटी गेट ऑन वॉटिक्स यू माइट थिंक दैट ये कोई काम का नहीं है डायरेक्ट चैप्टर कुछ है नहीं है ऐसा बट देर आर गोइंग टू बी क्वेश्चन विच विल कम अपर यू आर गोइंग टू रिक्वायर दीज टूल्स तो लेट एस किट विद द बेसिक्स ऑफ एफ एम हमें बहुत सारा कैलकुलेशंस करने हैं एक्सेल प्लीज यूज करो मैं जो एडिशनल जो कंप्लीट लाइक डेरिवेटिव्स के अंदर मैं आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बोलूंगा वो स्ट्रैटेजी जो है वो आपने वो लेक्चर स्किप किया तो चलेगा लेकिन जो से फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएशन है वैल्यूएशन के कुछ टेक्निक्स है जो तो बिना एक्सेल के आप लॉजिकली समझ ही नहीं सकते यार इट इज नेक्स्ट टू इंपॉसिबल टू अंडरस्टैंड वहां जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आप इवन इफ योट मेकिंग अप एक्सल शीट ऑन यीस्ट वो देखो तो सही लाइक like पोर्टफोलियो है पोर्टफोलियो मैं तुमको बोलता हूं बेटा हम ना रिटर्न बढ़ा सकते हैं और रिस्क कम कर सकते हैं अब बोले क्या बकरा है आदमी हाउ कैन यू इंक्रीज अ अ रिटर्न एंड रिड्यूस रिस्क बोलने के लिए बहुत आसान लगता है ये सेंटेंस और बिलीव भी नहीं होता कि रिस्क कैसे कम करे और रिटर्न बढ़ाए क्या मतलब मतलब काम भी कम करे और सैलरी भी ज्यादा मिले या आर्टिकलशिप में ओवर टाइम भी ना करे ऑफिस में भी ना सोए और स्टाइपेंड भी बॉस का जैसा मिले ऐसा कैसे पॉसिबल है आर्टिकल शिप में पॉसिबल नहीं है यहाँ पे मार्केट में तो पॉसिबल है और वो मैं आपको एक्चुअल डेटा लेके दिखा सकता हूँ रियल डेटा लेके हम देख सकते हैं वो चीज़ें अगर आप देखोगे ना तो आपको एक बेसिकली कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये चलो सिलेबस जो है ना वो काम का तो है ढंग का है गुड चंक ऑफ सिलेबस इज ऑफ यूज इफ यू लर्न टू अप्लाई इट इन अ प्रॉपर मैनर एल्स क्या हो जाएगा ना आपको फीलिंग आएगा मैं वाई एम आई स्टडिंग बिकॉज वो फीलिंग अगर आ गया ना तो बेटा फाइनल निकालना मुश्किल है वो फीलिंग नहीं चाहिए पहले इंटरेस्ट वाला फीलिंग क्रिएट करना पड़ेगा और बहुत सारे चैप्टर्स इंटरेस्टिंग है हार्डली एक दो थियरी वाला चैप्टर छोड़ दे वो फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी वो तुम्हारा होमर्क है मतलब मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी रोल्स ऑफ सी एफ ओ में तुमको हाँ वो मतलब दैट इज़ पहले ही बोल रहा हूँ वो तो थेरी क्वेश्चन आ, आ गया आ गया क्वेश्चन तो भी तुमने चार क्वेश्चन से थेरी वाले चार पाँच छः पेजेस से वो तो याद रखने का रोल ऑफ सी एफ ओ स्टार्टअप फाइनेंस स्टार्टअप एक्सप्लेन करेगा चलो ये चीजें बेसिकली आपका याद होगा तो एफ में हम तीन चीजों के ऊपर फोकस करते थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सो इट ऑज फोकसिंग ऑन फाइनेंसिंग डिसीजनमेंट ऑफ फंड इट वॉज इन्वेस्टिंग डिसीजन विच वॉज कंसर्न विद एवर फंड रेज प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंडली क्या है रेजिंग ऑफ फंड रेज करना है बिजनेस को मुझे पैसों की जरूरत है तो वो फंड्स में रेस करता था जब मैं फंड्स रेस करता था तो मुझे क्या फोकस करना पड़ता था वॉट आर अवेलेबल सोर्स ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंस वाला चैप्टर किया था बेसिकली इक्विटी है डेट है शेयर्स है फॉरेन करेंसी से आप फंड्स रेज कर सकते हो वॉटर तो रेजिंग ऑफ फंड्स में आपने दो चीजों पे प्राइमरीली फोकस किया था नंबर वन वॉट आर सोर्सेस अवेलेबल नंबर टू आपका फोकस था कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ याद होगा तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रे प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी एंड उसके हिसाब से आपका क्या होता था कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिफर होता था राइट तो व्हेन आई प्रोक्योर फंड्स

effective utilization of funds which was about investing decisions objective kya when you invest the money i must get a rate of return higher than cost of capital if the rate of return is not higher than the cost of capital it is of no use but i have to use time value of money there because return is going to be over multiple years in the future right return is not in a one stroke so effective utilization of fund was Investing decisions and then whatever profit you have earned from a business, we talk about distribution of that profit that is a dividend decision. So, these are the three decisions that we talked about while raising funds. You have a choice of own funds and borrowed funds. Own funds and borrowed funds which one has a higher cost of capital? Borrowed funds. Wow, this is what in CA final. यू से कौन थे बोरोड फंड आर्टिकल शिप से टर्मिनेट करना चाहिए तेरे को बोरोड फंड्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है वाह टू गुड बोरोड फंड्स को आप बोलते थे कॉस्ट ऑफ उसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल था कॉस्ट ऑफ डेट ओन फंड्स को बोलते थे आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एक्सपेक्टेश ऑफ इन्वेस्टर्स हु टेक्स अ हाई रिस्क इक्विटी होल्डर्स का हाई रिस्क और डेट होल्डर्स देखा हाई रिस्क इक्विटी होल्डर्स रिस्क आई एम नॉट टॉकिंग रिस्क टू कंपनी आई एम टॉकिंग रिस्क टू इन्वेस्टर कौन सा इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क लेता है इक्विटी वाला या डेट वाला इक्विटी वाला तो उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहनी चाहिए कम रहनी चाहिए ज्यादा रहनी चाहिए सो इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल वन कॉस्ट ऑफ इक्विटी मस्ट बी ग्रेटर देन वॉट कॉस्ट ऑफ डेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क इज वेरी लेस इन इक्विटी फाइनेंशियल रिस्क टू इक्विटी कंपनी ने कोई कमिटमेंट दिया ही नहीं कि हम आपको फिक्स इतना इतना इंटरेस्ट देंगे या दो साल के बाद आप आपको पैसा वापस करेंगे या पांच साल के बाद पैसा वापस करेंगे कोई कमिटमेंट ही नहीं है तो फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू इक्विटी इज लीस्ट रिस्क डेट इज हाई रिस्क मैंने रिस्क नहीं पूछा था कंपनी का मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा था This cost of capital is gonna affect valuation of a company. Company आगे जाके मैं बिजनेस का वैल्यूएशन करना है इक्विटी का वैल्यूएशन करना है वैल्यूएशन करने के लिए कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए majority टेक्निक्स आर गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड डीसीएफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो तो फ्यूचर के जो कैश फ्लोज है उनको हमें डिस्काउंट करना है डिस्काउंट करना है मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू अराइव करनी है अब मुझे बोलो

इंटरमीडिएट में ये बोलना आसान था कि जस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो और उसके हिसाब से वैल्यूएशन करो दैट्स बुलशिट फाइनल में भी एग्जाम के लिए वही करना पड़ेगा मुझे बट एक चीज समझ लो ये बहुत बेसिक है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज टू बी यूज एज अ डिस्काउंट रेट इट्स रॉन्ग लेट मी टेल यू वाई अभी देखो ये इंटर में नहीं समझा सकता हूं मैं बच्चों को हम अपना सीए कोर्स में टिपिकल में आगे सम जब सॉल्व करूंगा तो मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही लेने वाला हूं

एफ मतलब एफ आर में गुड चंक इज ऑन हाइब्रिड्स हाइब्रिड का आपको बाइफर्केशन करना पड़ता है तो मेरे पास अलग अलग सोर्सेस से फंड्स आ चुके आई कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर रिलायंस इंडस्ट्री लेट्स से दैट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क्स आउट टू थर्टीन फोर्टीन परसेंट लेट्स से फोर्टीन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अ टिपिकल सी विल टेल यू फोर्टीन शुड बी यूज एज कॉस्ट डिस्काउंट रेट वाइल इल इवेलुएटिंग बिजनेस ऑफ रिलायंस अरे गधे दो मिनट रुक ये कांग्लो मर थे एक धंधा नहीं है इधर इधर मेरा टेलीकॉम में कुछ पैसा जा रहा है जो सब्सिडी है इनकी जो फाइनेंशियल अलग हो गया अभी वो डीमर्ज होके अलग कंपनी हो गई बट टेलीकॉम जो बिजनेस है जियो टेलीकॉम वाला वो तो इधर ही है रिलायंस का सब्सिडी है रिटेल अभी भी सब्सिडी के फॉर्म में ही है हंड्रेड परसेंट नहीं है कुछ ओनरशिप उन्होंने डाइल्यूट किया है बट रिलायंस के पक्ष है कुछ ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस में है कुछ अभी न्यू एनर्जी बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं हाइड्रोजन चीजों में डाल रहे हैं ईवी के कुछ वो करना चाहते हैं अभी अनाउंस किया है तो so रिलायंस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था फोर्टीन परसेंट व्हेन आई एम इवैल्यूएटिंग व्हेन आई एम इवैल्यूएटिंग ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस एंड आई एम इवैल्यूएटिंग रिटेल बिजनेस एंड टेलीकॉम बिजनेस हाउ देल कैन यू अप्लाई सेम डिस्काउंट रेट क्यों ऑपरेटिंग रिस्क ऑपरेटिंग नेचर ऑफ दिजनेस इज टोटली डिफरेंट ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर टेलीकॉम को नहीं अफेक्ट करते हैं तो जो ये जो सी ए कोर्स वाला थिंग है ना कि या जो टिपिकल फाइनेंस वाला डिस्काउंट रेट शुड बी यूज एज अस्ट ऑफ कैपिटल इज अ बुलशिट यू नीड टू

अभी उन्होंने रिसेंटली फैशन में एंट्री किया यूस्तो या युथोस्तो करके ऐसा कुछ तो ब्रांड लॉन्च किया उन्होंने टू गिव द फाइट टू जारा एंड ट्रेंड जूडियो जो है टाटा का तो उनको फाइट देने के लिए उन्होंने नया रिलायंस अब जो फैशन वाला बिजनेस है जारा ले लो या एल वी एम एच ले लो लुई uh, विटन अगर आपको मालूम है तो ग्लोबली वो जो बिजनेस है दैट इज ग्रोइंग एट थर्टी फोर्टी परसेंट पर एन एम पेट्रोकेमिकल so का बिजनेस इज ग्रोइंग एट एंड पेट्रोकेमिकल इज दिक वेहीकल का डिमांड ओवर अड ऑफ टाइम कम होता जाएगा लोग क्लाइमेट चेंज की तरफ देख रहे हैं सो बेटर मीन ऑफ फ्यूएल तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने कैलकुलेट करना है लेकिन उसको आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे वाइल डिसाइडिंग वॉट डिस्काउंट रेट दैट यू शुड कंसिडर डोंट टेक डिस्काउंट रेट एज इट इज डू सर्टन एडजस्टमेंट्स बट टू किक स्टार्ट वी डू नीड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो एफ का ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट जो है वो अकाउंटिंग आउटकम है यार, प्रॉफिट कैन बी मैन्यूपुलेटेड प्रॉफिट कैन बी इजीली मैन्यूपुलेटेड बहुत आसान है प्रॉफिट को मैन्यूपुलेट करना कुछ चीज़ें इधर उधर कर दो आप आप अपने आर्टिकल शिप कर रहे हो आप ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है डिपेंड्स ऑन घर घर की कहानी थोड़े बहुत एडजस्टमेंट इधर उधर हो गए प्रॉफिट का फिगर इधर का उधर हो जाता है डिपेंडिंग फॉर एग्जाम्पल इट्स आई गो टू डिनर डिनर पर लेके गया मैं आपको एक कंपनी है कार्बन क्रेडिट में काम करने वाली कंपनी है ईके आई एनर्जी सर्विस कार्बन क्रेडिट लोगों को देने में हेल्प करवाती है बाकी ये प्रॉफिट लॉस मार्च 2012 में एक करोड़ का सेल था एक्सपेंसेस से एक करोड़ के थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो लिटरली सब कुछ जीरो था ये जीरो ये बहुत टाइम तक जीरो पे थे ये शून्य के साथ खेल रहे थे ये क्या चमत्कार हुआ इधर ऐसा क्या कर दिया इस कंपनी इसकी लॉटरी लग गई तो डायरेक्ट मार्च 2020 में 6 में के करोड़ से 25 करोड़ 25 करोड़ से 516 करोड़ इतना प्रॉफिट लेके गया ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है पी एल दिखा रहा हूं मैं तुमको ये ऑब्वियसली इतना प्रॉफिट दिखाओगे मार्च 2023 अभी तक इनका फाइल नहीं हुआ लिस्टेड कंपनीज के टाइमलाइंस कब के खत्म हो चुके इनका मार्च 23 अभी तक फाइल नहीं हुआ है वो आता हूं मैं वहां पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं हाउ प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड हाउ पीपल हेल्प इन मैनिपुलेशन ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट शेयर प्राइस पे तो आना ही था तो अगर आप शेयर प्राइस देखोगे वो जो दो में इक्कीस कोविड के अंदर कितने पे था ससुरा फोर्टी नाइन गया ससुरा कितने पे दो में एक साल के अंदर लेस देन वन ईयर अप्रिल ट्वेंटी 22, तो पचास रुपए से लेके तीन हजार एक सौ पे चला गया तो सर्किट्स मार रहा है फोर थर्टी वन पे अभी भी है क्यों मैनुपलेड प्रॉफिट लेटेस्ट गो टू स्टेटमेंट कॉल्ड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट आर्टिकलशिप है थोड़ा बहुत तो बनाया होगा पहले या सॉफ्टवेयर का आउटकम यूज करने के पहले खुद चेक किया होगा कैश फ्लो में मैं अगर इस ससुरे की ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखू मार्च 2022 हजार बाईस 5.16 फाइव वन सिक्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था राइट बट कैश जनरेटेड इज जस्ट थर्टी करोर पांच सौ सोलह करोड़ का प्रॉफिट किया उसमें से टेन परसेंट भी तुम कन्वर्ट नहीं कर पाए कैश में आई अंडरस्टैंड फाइव वन सिक्स बिफोर टैक्स चलो टैक्स पे किया सब कुछ किया तुमने बट कन्वर्ट नहीं कर पाए पाएरली कुछ प्रॉफिट क्योंकि इनके डेटर्स बहुत बढ़ चुके हैं इंक्रीज इन डेटर्स मतलब तुमने सेल का एंट्री पास किया रोकड़ा किधर है सेल का एंट्री पास करके अफिलेट रिलेटेड पार्टी एंट्री टीम आपको कभी टैक्स मैनेज करना है आप अगर मिड साइज फॉर्म में आर्टिकल शिप कर रहे हो तो इधर घर भाई बहन दादा दादी इधर का उधर एंट्री घुमाओ टैक्स थोड़ा कम पे किया है एक्सपेंडिचर चाहिए इधर और एंट्री उधर इनकम बुक करो जो तो आप छोटे फॉर्म में इंडिविजुअल लेवल पे करते होंगे करना नहीं चाहिए बट करते होंगे वो जो चीज़ है ये इन भाई साहब ने की होगी, क्या किया है भगवान जाने ऑडिटर को भी मालूम नहीं है तो ऑडिटर इनके फाइनेंशियल सेटमेंट साइन नहीं कर रहा था क्यों क्योंकि भाई साहब ये तो गड़बड़ लग रहा है तो पहला ऑलरेडी ऑडिटर चला गया नया वाला ऑडिटर भी साइन नहीं कर रहा था तो इन्होंने तो बहुत खतरनाक काम किया डॉक्यूमेंट्स मैं अगर आप जाके देखोगे प्रीसेंटली इन्होंने 15 अगस्त को ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिमूव कर दिया क्योंकि ऑडिटर हमें साइन नहीं दे रहा है ऑडिटर को रिमूव कर दिया इन्होंने अब ऑडिटर का साइड देखो ऑडिटर बोल रहा है कि

मिनिमम वन थर्ड कंपनीज आर चोर मतलब यू लर्न लार्ज कैप कंपनीज मिड कैप कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज इज वन मोर विच यू शुड लर्न भंगार कैप कंपनीज थर्ड क्लास कंपनीज आर देर वेन यू स्टार्ट लुकिंग एट द लिस्टेड कंपनी जस्ट बिकॉज इट इज लिस्टेड डोंट गेट डोंट गो मैड लाइक आप कैरेक्टर देखोगे तो समझ में आएगा और ये दुनिया भर में ऐसा है मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया में ही होता है ये ह्यूमन कैरेक्टर सब जगह पे कहीं पे भी जाओ

instead of earning per share we will be calculating free cash flow to the firm free cash flow to the equity holders and based on that cash flows we are going to do valuation so our objective is focused on what maximization of wealth wealth is not just the profit that you earn wealth is basically denoted by price of a share or a value of a business rather than per share it is always better कभी भी जिंदगी में ना डू नॉट लुक एट द प्राइसेस ऑफ शेयर लुक एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी प्राइस ऑफ अ शेयर आप कभी भी बढ़ा सकते हो रिड्यूस कर सकते हो बाई डूइंग स्प्लिट और कंसोलिडेशन आपने शेयर स्प्लिट कर दिया तो प्राइस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा कंसोलिडेशन किया तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा तो यू शुड नॉट लुक एट द प्राइस ऑफ अ शेयर यू शुड लुक एट वॉट कंसोलिडेटेड वैल्यू ओवरऑल मार्केट वैल्यू वेल्थ इज बेसिकली डिनोटेड बाय वैल्यू वैल्यू में दो वैल्यू होता है ये वर्ड सभी याद है कि नहीं तुमको मालूम नहीं एक है इक्विटी वैल्यू जिसको हम पॉपुलरली मार्केट कैप कहते हैं हाउ डू गेट अ मार्केट कैप मार्केट कैप इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू व्हाट? ऑब्वियसली प्राइस पर शेयर द अदर वन ये तो सबको आ रहा था मार्केट कैप अब दूसरा एंटरप्राइज वैल्यू ईवी फाइनल में बहुत बार आने वाला है ये ई हाउ मेनी रिमेंबर ईवी एक को भी मालूम नहीं है ऑनलाइन कोई है तो तुम तो बताओ कम से कम गूगल सर्च करके नहीं या लोग है यार एक को भी ईवी मालूम नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल मत बोलना वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट क्यों आगे जाके हमें कुछ मॉडल्स ऐसे करने हैं जहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है उसको मुझे इग्नोर करना है डूंग वैल्यूएशन देर आर अप्रोचेस देर आर सम्रोचेस विच से कंसिडर कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या डेट इक्विटी का प्रपोर्शन कुछ अप्रोचेस होते हैं वो बोलते हैं कंसिडर कैपिटल स्ट्रक्चर बट देर आर सम्रोचेस विच से कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी इग्नोरड तो बाई इग्नोरिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इफ आई विश टू डू द वैल्युएशन बाई इग्नोरिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इफ आई विश टू डू वैल्युएशन लुक एट एंटरप्राइज वैल्यू और ये अप्रोच बहुत ज्यादा पॉपुलर है वैल्यूएशन का तो उसके लिए हम फ्री कैश फ्लो टू द फर्म निकालेंगे फ्री कैश फ्लो टू द फर्म से हम एंटरप्राइज वैल्यू निकालेंगे और एंटरप्राइज वैल्यू से इक्विटी के वैल्यूएशन पे जाएंगे आगे जाके वैल्युएशन चैप्टर में आने वाला है वेल्थ इज डिनोटेड बाई योर वैल्यू विच वैल्यू यू वॉन्ट टू कंप्यूट फर्स्ट देर आर अप्रोचेस विच से डायरेक्टली इक्विटी वैल्यूएशन निकालो बट ये इक्विटी वैल्यूएशन डायरेक्टली करना करने जाओगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर बिकम्स रिलेवेंट और बहुत सारे कंपनीज में कैपिटल स्ट्रक्चर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अल्टर होते रहता है तो बोलेंगे, कैसे सर डेट का रीपेमेंट किया तुमने कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ रेशो ऑफ डेट एंड इक्विटी ना वो रेशो हमेशा चेंज होते रहता है कैसे नंबर वन डेट रीपेमेंट किया तो डेट का लेवल कम कम होता है तुमने प्रॉफिट कमाया प्रॉफिट प्लाउ बैक किया बिजनेस में री इन्वेस्ट किया इक्विटी so, की वैल्यू जो है शेयर होल्डर फंड वो बढ़ते रहते हैं या लॉसेस कर रहे हो तुम शेयर होल्डर फंड कम होते रहते हैं तो so, जो प्रपोर्शन है डेट और इक्विटी का वो सेम अज्यूम करना इलॉजिकल है दाई वाई डूइंग द वैल्यूएशन ऑफ अस डोंट लुक एट कैपिटल स्ट्रक्चर कीप कैपिटल स्ट्रक्चर असाइड एंड डू द वैल्यूएशन ऑन एंटरप्राइज वैल्यू बेसिस

कुछ थोड़ा बहुत याददाश्त वापस आ रही है तो कैपिटल स्ट्रक्चर के थियरीज किए थे तुमने कैपिटल स्ट्रक्चर इज रिलेवेंट कैपिटल स्ट्रक्चर इज इरेवेंट इन वाला जो थियरी था वो दैट वॉज फोकसिंग ऑन एंटरप्राइज वैल्यू ठीक है याद है क्या तो वेन डू यू मैक्सिमाइज अ वेल्थ टू मैक्सिमाइज अ वेल्थ यू मस्ट बी एबल टू बीट एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स

वो डिस्काउंटेड बेसिकली क्या है एक्सपेक्टेशन ऑर्डर टू जनरेट अ मैसिव वेल्थ फॉर योर इन्वेस्टर्स यू शुड बी एबल टू अर्न वेल्थ और यू शुड बी एबल टू अर्न द रिटर्न हायर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये कंसेप्ट हमारे सिलेबस में है जिसको आपने ईवा करके मैंने सिखाया था इंटर में भी आपको बोला रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ वॉट ईवा ईवा की कैलकुलेशन हम करेंगे ईवा इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इकोनॉमिकली क्या बोलता है तुम्हारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैपिटल स्ट्रक्चर इग्नोर करना है तो नो पैट, नो पैट मतलब क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहां पे रुपीज में आना है तो फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक अगर मैं बोलू तो जस्ट वेरी बेसिक इवा का एक ई से आई हैव इक्विटी इन माई बैलेंस शीट बुक वैल्यू अब ये बुक वैल्यू के हिसाब से करना चाहिए या मार्केट वैल्यू के हिसाब से करना चाहिए बुक वैल्यू के हिसाब से क्यों क्योंकि तो नोपैट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट का ही है ना तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड ऑल्सो भी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इक्विटी कहां पर रहता है शेयर होल्डर्स फंड या नेटवर्थ इसको हम क्या बोलते हैं नेटवर्थ तो मेरा नेटवर्थ बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से है फिफ्टीन थाउजेंड क्रॉर्स्यूम आई हैव अ डेट विच इज बेसिकली बोरड फंडस बट आजकल आई एफ आर एस आपने फड़े हो गए थोड़े बहुत आई इंडेस पड़ा होगा तो बहुत सारे लीज लाइबिलिटीज है जो बैलेंस शीट पर डेट करके दिखते हैं काम वन वन सिक्स किसी ने काम नहीं किया ऑपरेटिंग लीज बैलेंस शीट में आ चुका है फाइनेंस लीज तो पहले से ही बैलेंस शीट पर था मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्रेंट जुडियो मेरे बहुत सारे स्टोर्स हैं जुडियो वेस्ट साइड ये स्टोर के ये ओन नहीं करते हैं ये स्टोर्स लीज पे लिए रहते हैं तो यू बेसिकली पे रेंट पहले ज़माने में क्या होता था रेंट जो भी पे कर रहे हो पी एंड एल को डेबिट करो टी डी एस कट करो टी डी एस भरो काम खत्म बैलेंस शीट पे कुछ आता ही नहीं था

क्योंकि तुम्हारी नहीं है असेट आई अंडरस्टैंड बट आई नीड टू ब्रिंग अट ऑन माई बैलेंस शीट तो मैंने कमिट किया कि अगले दस साल तक मैं तुम्हें रेंट दे दूंगा तो यू हैव टू बेसिकली फाइंड अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर ऑब्लिगेशन एंड शो इट एज अ डेट ऑन द लाइबिलिटी साइड कॉल्ड एज लीज लाइबिलिटीज एंड एक करस्पॉन्डिंग असेट भी क्रिएट करना होता है जिसको आप बोलते हो आर ओ यू आर ओ यू राइट ऑफ यूज असेट्स और राइट ऑफ यूज असेट है उसके ऊपर आएगा अमोरटाइजेशन दिसिएशन यू कैन कॉल इट एस पी एट एल में अमोरटाइजेशन करके आएगा और लीज लाइबिलिटीज भी आएंगे लीज लाइबिलिटीज भी आपके धीरे धीरे कम कम होते जाएंगे उसमें से आपको रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है तो उसकी वजह से डेट जो बैलेंस शीट पर है वो चेंज हो गया है इतना ज़्यादा आपको यहाँ पर सोचना नहीं है सिलेबस सिलेबस इज स्टिल बैकवर्ड ओरिएंटेड अभी भी हम रेंट पे ही है सिलेबस में बट जब आप रियल लाइफ एनालाइज करने जाओगे तो डेट में कुछ चीज़ें होती है जो एक्चुअल डेट बोरोड है और कुछ चीज़ें होती है उसको हम बोलते हैं प्जी डेट इट इज नॉट एक्चुअल बोरोड मनी बट इट इज शोन एज अ डेट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग तो वो डेट वगैरह सब कुछ मिला के मेरा लेट से डेट है आठ करोड़ का टैक्स शील्ड होता है कैसे कैलकुलेट करना है आएगा नीचे एक दो दिन में मैं तुमको पूरा इंटर तुम्हारा अंदर तुम्हारे अंदर एफएम भर दूंगा जो आर्टिकल शिप में टैक्स टैक्स टीडीएस डी कर रहे हैं जी एस थ्री बी टू ए जो भी कर रहे हैं रहने दिमाग में तुम्हारे तो थोड़ा सा दिमाग से निकाल के मेरे को ना पहले एफ डालना पड़ेगा मार्केट डालना पड़ेगा

टैक्स रेट इज ट्वेंटी फाइव परसेंट टैक्स रेट ट्वेंटी फाइव परसेंट है और मेरे पी एंड एल को मैंने इंटरेस्ट डेबिट किया हुआ है इंटरेस्ट डेबिटेड टू पी एंड एल इज रफली नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी करोर्स दो सौ पचास करोड़ का इंटरेस्ट पी एंडल को डेबिट हो चुका है ठीक है अब मुझे निकालना है कि मैं वेल्थ क्रिएट कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं मैंने क्या बोला यू क्रिएट वेल्थ ओनली वेल यू बीट एक्सपेक्टेशन तुम्हारे ऑफिस में अगर अवार्ड का कल्चर होगा बहुत सारे आर्टिकल्स है तो वो क्या करते हैं किसी ना किसी आर्टिकल को तो पक्का मिलता है अवार्ड मंथ में क्योंकि तो आर्टिकल कम रहते हैं मंथ ज्यादा रहते बट तुमको अवार्ड मिलता कब है जब तुम तुम्हारे मैनेजर के या जो बॉस के एक्सपेक्टेशन है वो बीट करता है तभी अवार्ड मिलता है ना तुमको यहां पर मुझे धंधे में क्या चाहिए नो no पैट निकलना है ने, क्यों नो no पैट मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं इग्नोर करना है कैपिटल पैट इज आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑपरेशन से कितना कमाया तुमने और वो जो ऑपरेशन से तुमने कमाया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी बोलते थे आप उसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी कितना कमाया है वो निकालो उस ईबीआईटी में से टैक्स पे करो रिमेंबर टैक्स टैक्स इज इज नॉट पेड पेड ऑन ऑन ईबीआईटी पीबीटी बट मुझे ऐसा अप्रोच चाहिए जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इग्नोर करता है क्यों रीजन इज वेरी सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर नेवर एवर रिमेन्स सेम इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग ईयर ईयर एयर प्रॉफिट कमाया तुम्हारा इक्विटी का अमाउंट सेम रहेगा तुमने डेट रीपे किया मंथली बेसिस पे तुम्हारा लोन का रीपेमेंट हो रहा है कहां से डेट का अमाउंट सेम रहता है तो ट्राई टू फाइंड आउट द अप्रोच विच वैल्यूज बिजनेस फर्स्ट तो हमें तो वैल्यूएशन के अप्रोचेस क्रिएट करने है ना आगे जाके तो हम बिजनेस वैल्यूएशन पे ज्यादा फोकस करने वाले मैं उसको इस सिर्फ झलक दिखा रहा हूं देखो अब मेरे को निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत सिंपल है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं बच्चों ईबीआईटी नहीं है मेरे पास पैसे में नहीं दिया मैंने ढूंढेंगे ईबीआईटी में से हम टैक्स माइनस करेंगे बट टैक्स ऑन ई बी आई टी रियालिटी में टैक्स में नहीं पे करूंगा तो आएगा मेरा नो no पैट मैंने कुछ भी नहीं दिया आपको मैंने दिया है पैट अब देखो ये मुझे कैलकुलेट करना है बट ट्रेडिशनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता कैसा है बी आई टी में से आप क्या माइनस करोगे इंटरेस्ट माइनस करोगे इंटरेस्ट माइनस करके क्या आएगा आपका ईबीटी बोलो ईबीटी बोलो चॉइस इज ऑल यू। और इस ईबीटी के ऊपर आप क्या करते हो टैक्स भरते हो और फिर आता है आपका पैट अब मैंने क्वेश्चन में पैट तो दिया आपको थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ टैक्स रेट ये जो टैक्स रेट रहते हैं ना इसको बोलते हैं इफेक्टिव टैक्स रेट आर्टिकलशिप में आई होप यू पीपल हैव डन बिटवीन टैक्स पर इनकम टैक्स लॉ एंड टैक्स डेबिटेड टू आर्टिकल आर्टिकलशिप कर रहे हो ना पी एल को जो टैक्स डेबिट करते हो वो अकाउंटिंग रूल के हिसाब से आता है इनकम टैक्स में जो टैक्स पेएबल होता है टैक्सेशन लॉ के हिसाब से होता है यू कुड गेट एग्जम्शंस एग्जम्शन रह सकता है सो अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है ओके okay, टैक्स में कोई प्रॉफिट एग्जम्ट है तो पी एंड एल में से निकाल देते हो आप उसको नहीं ना पी एंड एल में तो दिखता है ना तो मेरे पी एंड एल में कुछ अमाउंट है जो एग्जमटेड है तो मैं मैं क्या करूंगा पी एंड एल का जो अमाउंट है वो ले लूंगा उसके ऊपर टैक्स रेट मल्टीप्लाई करके टैक्स पेएबल निकाला मैंने अकाउंट्स के हिसाब से लेकिन टैक्स के हिसाब से टैक्स तुमने बहुत कम भरा है क्योंकि तुमको एग्जामिशन मिला है या जो भी है उसका रिकनसिलियेशन प्रेजेंट करना होता है एफआर आर देखते जाओ जरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो पच्चीस तक है दिस टेल मी, ये जो पैट है पैट कितना है पैट विल बी सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ पीबीटी तो टैक्स कैसे आएगा थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाय वॉट सेवेंटी फाइव बाय ट्वेंटी फाइव आई होप उतना तो आता है तुमको वन वन सिक्स सेवन राउंड ऑफ किया वन वन सिक्स सेवन इज अ टैक्स पीबीटी बोलो फोर सिक्स सेवन अच्छा हुआ किसी ने माइनस नहीं फोर सिक्स सिक्स सेवन आई होप दैट मच कैपेबिलिटी इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैसे निकालू अच्छा डायरेक्टली अमाउंट ही दिया मैंने नाइन हंड्रेड एंड तो ईबीआईटी बोलो फाइव सिक्स आएगा लिखिए हेडलाइन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज एग्नोस्टिक टू कैपिटल स्ट्रक्चर क्या लिखा तुमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज एग्नोस्टिक टू कैपिटल स्ट्रक्चर एक्नोस्टिक का मतलब नॉट डिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट कैपिटल स्ट्रक्चर तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या तुम्हारे धंधे का ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितना है माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस क्या है समझा तो so, 5617 crores I earned from my operations. Imagine I don't have any debt. Imagine you are financed by equity only. Unlevered company. Ungeared company. Intermediate. I am assuming I am teaching to intermediate past students. Ungeared. Unlevered. Words. What is that? 5617 ke upper tax baro aap. रियलिटी में टैक्स भरने वाले हो कि आप इसके ऊपर नहीं इनटू ट्वेंटी परसेंट बट अज्यूम करो आपके पास कोई डेट वगैरह है ही नहीं खत्म डायरेक्टली आपने इसके ऊपर टैक्स भर दिया कितना आपको बेसिक एग्जाम्पल दिया अभी वन फोर लेकिन सर टैक्स तो वन वन सिक्स सेवन है ना वो वन वन सिक्स सेवन इज आफ्टर टैक्स ऑफ इंटरेस्ट हम अभी कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। बोलो नो पैट कितना आया फोर टू वन थ्री कैसे आएगा रे वन फाइव फोर टू कौन सा गलत बोला वन फोर जीरो फोर है फाइनल में आके भी इनकी आदत है फोर टू वन थ्री इज वॉट माय नो पैट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट वी विल से दैट यू हैव क्रिएटेड वेल्थ और यू आर इन प्रोसेस ऑफ वेल्थ क्रिएशन ओनली इफ यू आर एबल टू जनरेट नो पैट हायर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ये नो पैट है ये तुमने कमाया है लेकिन तुमने कितना कमाना चाहिए था अब वो चाहिए था के लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखना है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज में है उसको मल्टीप्लाई करना है दिस इज नॉट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आई एम टेकिंग बुक वैल्यू क्यों नो पैट इज एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट ना मार्केट वैल्यू से भी आप निकाल सकते हो दैट अप्रोच इज ऑल्सो देर तो मैं क्या निकालता हूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको याद होगा ये परसेंटेज में नहीं है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी इन रूपीज मेरे पास इक्विटी कितना है फिफ्टीन थाउजेंड करोर का इक्विटी है। होल्डर्स डेट का जो आप बोले सर इंटरेस्ट का शील्ड इंटरेस्ट का शील्ड अगर आपको थोड़ा बहुत याददाश आ रहा है दिस कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ डेट इज आफ्टर शील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली ना अरे यस नो इंटरेस्ट का टैक्स शील्ड कंसिडर करने के बाद भी है कुछ याद होगा के डी का फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा होगा के डी बेसिक फार्मूला सिखा रहा हूँ आई इनटू वन माइनस टी अपॉन एन पी कुछ याद आ रहा क्या एक दो दिन टाइम लगेगा आपको बिकॉज एक साल का डेढ़ साल का ब्रेक का आ चुका होगा बीच में प्लस आप थोड़े अलग चीज़ों में चले गए होगे इट्स ओके okay. एक दो दिन में वापस घर वापसी हो जाएगी आ गया तुम्हारा प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया ये डेट डेट का अमाउंट का कितना था एट थाउजेंड करोर और कॉस्ट ऑफ डेट था नाइन परसेंट कॉस्ट ऑफ डेट इज नॉट सेम एज इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट इज प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज आफ्टर टैक्स नहीं तो कोई गधा है ना वो कैलकुलेट कर रहा होगा सर तुम वहाँ खा रहे हो सर देखो Interest rate, interest amount 950. 950 upon 8000 is not matching with 9%. It will never match. It will never match. Yeah, 950 upon 8000 is average rate of interest. The cost of debt can be different. Cost of debt is after tax. Bolo, answer 2970. 2970 is your cost of capital employed. That is the cost of capital. That is the expectations of investors. That is the expectation of an investor. But how much has company earned? 4213. This is with reference to book value. So we say that you have created economic value added, EVA. This is a, with reference to books of accounts. Market value, case of with obviously answer. Match not hota. बोलता हूँ दो मिनट रुको यू विल नेवर इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस यू विल फाइंड आउट दैट विद रेफरेंस टू मार्केट वैल्यू कंपनी इज नॉट क्रिएटिंग बुक वैल्यू के हिसाब से नो पैट कितना था मेरा नथिंग बट वॉट नो पैट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉइड नो पैट कितना था मेरा फाइव सिक्स Nope, it was 4213 after tax. And cost of capital employed is also after tax. What is answer? 1 to 4, 3 crores. So you have added economic value. Now, if you keep on adding the value like this every year, if you keep on adding value like this every year, what will happen?

और फिर तुमको कैपिटल स्ट्रक्चर के एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे और ईवा निकालना पड़ेगा अब सुनो, ऑफ़ टेकिंग बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी को हम नेटवर्थ बोलते हैं वेन आई यूज अ वर्ड नेटवर्थ इट इज एज पर व्हाट? बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वेन आई यूज द वर्ड मार्केट कैप इट इज विथ रेफरेंस टू मार्केट वैल्यू अगर मैं यहां पर मार्केट कैप लूँ या मार्केट वैल्यू लूँ और मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो क्या हो जाएगा तो आंसर अलग आएगा सुन लेना मार्केट वैल्यू ऑफ डेट उतना अलग नहीं होता डेट मोर और लेस बुक वैल्यू ऑफ डेट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आर सिमिलर बहुत रेयर केसेस रहेंगे जहां पे डिफरेंस रहेगा वो रेयर केसेस कौन से होते हैं जब तुम्हारे बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बॉन्ड की वैल्यू है और जो स्टॉक एक्सचेंज पे बॉन्ड की प्राइस जो हो रही है उसमें डिफरेंस रहता है बट फॉर सेक ऑफ वी कैलकुलेशूम डेट इज एट द सेम लेवल एट वॉट बुक वैल्यू अब सुन लो इंपॉर्टेंट हाँ कि तुम फाइनल में देखो अभी अभी दिमाग चाहिए तुम छोटा बच्चा नहीं है इक्विटी इक्विटी मतलब ये क्या है बुक वैल्यू है आया ना मैं इसी क्वेश्चन में बोलता हूँ इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ सब कुछ वैसे वैसा ही ऊपर सेम एज अबाउ अरे मैं बोलता हूँ पी बी इज थ्री पॉइंट टू हाउ मनी अंडरस्टूड पी बी हाँ गुड प्राइस टू बुक वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू इज फॉर इक्विटी डेट के लिए नहीं होता डेट के लिए वन बुक वैल्यू वन मार्केट वैल्यू वन डिफरेंस होता है बट वो डिफरेंस हम इग्नोर करते हैं पीबी तो मार्केट कैप कितना आएगा फिफ्टीन थाउजेंड इंटू थ्री पॉइंट टू फिफ्टीन थाउजेंड बुक वैल्यू था ना ऊपर इंटू थ्री पॉइंट टू करो कितना था फोर्टी एट थाउजेंड एग्जैक्ट ओके 48,000 इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी तो हम इंटरप्राइज वैल्यू निकालते हैं अभी इंटरप्राइज वैल्यू की जरूरत नहीं है हाँ ठीक है अब मैं ईवा निकालने चालू करता हूँ इफ आई कैलकुलेट ईवा। ईवा इज वॉट नो पैट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वो फुल फॉर्म अभी मालूम है सबको हो गया ईवा इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पैट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है अब वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना वो मैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से लेता हूं देखो फर्क क्या होता है नो पैट बोलो फोर टू वन थ्री ये नो पैट है तुम्हारा अब मैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से निकलता हूं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना था फोर्टी एट थाउजेंड उसके ऊपर पंद्रह टका ये इक्विटी है प्लस मैं कंबाइंड ब्रैकेट डाला मैंने प्लस डेट डेट वाज एट थाउजेंड करोड़ उसका कितना परसेंट लिया मैंने तो फोर टू वन थ्री माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय बोलो सेवन नाइन

15% परसेंट ऑन द मार्केट वैल्यू अंडरस्टैंड करो जब भी आप कोई शेयर में पैसा लगाते हो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पंद्रह टका है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पंद्रह टका मार्केट वैल्यू के ऊपर एक्सपेक्टेशन रख रहे हो अगर पंद्रह टका हर साल मार्केट वैल्यू के ऊपर कंपनी कमाना चाहे बेटा तुम बेसिकली क्या कर रहे हो यू आर गेटिंग कन्फ्यूज बिटवीन दर इज वन वर्ड आई डों तीन होते हैं बहुत काम के होते हैं अभी आपको उतने मालूम नहीं है आगे जाके सिलेबस में है आएंगे अर्निंग्स बॉन्ड अर्निंग रेंटल वैल्यूएशन के ये त्रिवेणी संगम के जैसे है अर्निंग्स इल्ड प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट वैल्यू मूवमेंट एस एल्ड इल्ड इज विथ रेफरेंस टू मार्केट वैल्यू इज़ इज़ बेसिकली करेंगे सिलेबस में ऑन रियल ये तीन है. आप बेसिकली क्या कर रहे हो? 15 value, इसको बोलते 15 आप करना चाह रहे हो यू आर ट्राइंग टू अर्न फिफ्टीन परसेंट ऑन एंटायर मार्केट वैल्यू रुक तुमने शेयर आज खरीदा है पे तो रुक। एक साल ही नहीं है कमाने के लिए यू आर अर्न

पर शेयर कर सकते है या टोटल कर सकते पर शेयर किया तो ईपीएस अपॉन प्राइस ऑफ अ शेयर इट्स बेसिकली नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ पी रेशो दिस बी यूज्ड ओनली फॉर मैच्यूर्ड कंपनीज इनिशियल स्टेजेस में जो कंपनीज है उनका अर्निंग्स ही निगेटिव रहता है इन टू हंड्रेड और आप टोटल बेसिस पे कर सकते हो पैट अपॉन मार्केट कैप बेसिकली आई एम मल्टीपेट न्यूमिनेटर एंड ले रहे हो और आप, कर रहे हो. आप क्या बोल रहे हो फोर्टी एट थाउजेंड के ऊपर टाइम चाहिए हाँ तेरे को चाहिए लेकिन वो मिलने को टाइम लगेगा बेटा कि तुने आज अभी जो शेयर खरीदा है इट इज नॉट अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ जस्ट वन ईयर

तो आई टेक अप इन्फोसिस लिमिटेड इन्फोसिस का ईपीएस पी अर्निंग्स पर शेयर कितना है रे 59.1 ये लेटेस्ट ईपीएस है उनका और प्राइस चल रहा है 1465. तो so, इन्फोसिस का मैं अगर अर्निंग ज़ील्ड निकालू 60. ईपीएस 60 ले रहा हूँ और 1465. फोर इन्फी प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बहुत बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है बोलो कितने फोर पॉइंट इवेल्यूएशन के लिए इल्ड बहुत काम में आने वाले हैं आगे जगह फोर पॉइंट जीरो नाइन परसेंट इज अर्निंगल्ड डू यू थिंक दैट अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक्विटी एक्सपेक्टेशन फोर परसेंट एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा है फिर आप लगे तो इन्फी में पैसा लगा के फायदा क्या सर इन्फी तो जो कैपिटल मैं तो इन्फी का शेयर बुक वैल्यू पे खरीदूंगा क्या नहीं बुक वैल्यू कितनी इन्फी की बुक वैल्यू यू विल गो जस्ट वेट बुक वैल्यू जस्ट वन सेवेंटी और ईपीएस रिस्पॉन्स ही नहीं देते दे यार तुम लोग अर्निंग प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट इनफी अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर मैंने क्या किया था ईपीएस अपॉन अपऑन प्राइस लिया था ना मैं अभी ईपीएस अपॉन बुक वैल्यू लेता हूँ क्या है बोले यहाँ पे इसको किसी को याद है ईपीएस कितना था सिक्सटी मैंने राउंड ऑफ कर लिया बुक वैल्यू ऑज वन सेवेंटी नाइन इंटू हंड्रेड बोल थर्टी थर्टी थ्री पॉइंट फाइव क्या ही है ये आर्टिकल शिप है दिमाग को खोखला बना दिया है एक को भी मालूम नहीं है क्या ये ये कैलकुलेट किया 33.5 व्हाट पॉइंट इज इट मैं नहीं सिखाया ना तुम लोगों को इंटर में हाँ कौन है वो धीरे से बोल रहा है ट्राई करके कर देख रहा है कि सही है क्या सही है कॉन्फिडेंटली बोलना फिर हाँ रिटर्न ऑन इक्विटी धीरे से बोलकर ट्राई कर रहा है कोई ट्राई करके देखता हूं बोले हाँ हाँ, हा, हाँ हाँ आवाज नहीं मैं बोल रहा हूं इन्फी का इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन जो है वो चौदह पंद्रह टका है ये अलग है बोले यार क्या नंबर चल रहे है? के ही टका ठीक से सुन दिस इज कॉनड्रम कॉन्फ्लिक्ट कंफ्यूजन फॉर इलिटरेट इट्स नॉट एक्चुअली समझ ले इंटर में नहीं समझा सकता मैं ये चीज बहुत मुश्किल है बच्चा पंद्रह टका इन्वेस्टर का क्या है एक्सपेक्टेशंस है कंपनी कमा रही है थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री विथ रेफरेंस टू बुक वैल्यू ना बट विथ रेफरेंस टू मार्केट वैल्यू कंपनी सिर्फ परसेंट ही कमा रही है तू अगर शेयर खरीदेगा तो तेरे को बुक वैल्यू पे शेयर मिलेगा मार्केट वैल्यू पे मिलेगा ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू पे मिलेगा तेरे को शेयर बुक वैल्यू पे देने के लिए क्या तेरा तू ऋषि सुनक है बुक तो वैल्यू पे मिलेगा था ये आधे लोगों को वो भी समझ में नहीं आया होगा इतने आइटम लोगों को ही नहीं क्या था समझा तुझे क्या है ऋषि सुनक गुड सुनकुड उतना तो मालूम है तो तुम तो दामाक नहीं हो ना तो तुमको शेयर कितने पे मिलेगा वन फोर सिक्स फाइव मार्केट प्राइस पे तो तुम्हारे लिए कौन सा रिटर्न रिलेवेंट है

क्यों उस टाइम पे शेयर वापस खरीदना पड़ता है क्या नहीं ना तुमने तो शेयर ऑलरेडी खरीदा है एक बार खरीद लिया तो तुमको प्रॉफिट सिर्फ एक साल का मिलता क्या हाँ बोल फोर पॉइंट उसके अगले साल तुम्हारा अर्निंग धीरे 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 अर्निंग रिजल्ट क्या होता रहता है बढ़ता रहता है देर विल बी पॉइंट ऑफ टाइम एन अर्निंग विल गो बियॉन्ड फिफ्टीन परसेंट ऑल्सोन यू आर बाइंग शेयर टूडे यू आर पेइंग कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर अर्निंग पर शेयर लेना है या कैश फ्लो लेना है इट इज मैटर ऑफ डिबेट इट्स वैल्यू बेसिस ऑफ अर्निंग पर शेयर सम पीपल वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लोज़ ईपीएस का नंबर थोड़ा आसानी से मिलता है कैश फ्लो का नंबर के लिए थोड़ा नंबर क्रंचिंग करना पड़ता है शुड यू कैलकुलेट विध रेफरेंस टू अर्निंग और शुड यू कैलकुलेट विध रेफरेंस टू कैश फ्लो इट इज मैटर ऑफ बेट और जो अच्छे कंपनीज रहते हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन अच्छे कंपनीज में देर इज लिटरली नो डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लो वाई दे आर नॉट लाइक दैट एनर्जी दे हैव कैरेक्टर तो मैंने YouTube चैनल पर सी अभिषेक झावरे का YouTube चैनल है अभी अभी बनाया है नया चैनल है लाइक करो सब्सक्राइब करो उधर तो ने पिछले हफ्ते एक लेक्चर लिया था फ्री कैश फ्लो की कैश पॉइंट्स ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट जाके देखो जैसे भी आपका टैक्स ऑडिट का सीजन है जाके देख लेना आपको समझ में आएगा कि मैच्योर्ड कंपनीज में प्रॉफिट्स दे कन्वर्ट इनटू कैश फ्लोज तो मैं प्रॉफिट यूज कर सकता हूं तो बेटा ये समझ ले कि तू लेक्सपेक्टेशन पंद्रह टका है कंपनी आज चार टका कमा रही है बट कभी ना कभी ऐसा मौका आएगा ये चार के आगे पंद्रह दैट फोर अर्निंग एक्सीड फिफ्टीन परसेंट एंड दैट इज वाई यू आर पेइंग फिफ्टीन

अगर आपने फाउंडेशन में या इंटर में कहीं ना कहीं बिजनेस साइकिल्स पढ़ा होगा आर ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एक बिजनेस इज ग्रोइंग एक तुम्हारी लाइफ ग्रोथ फेज में तुम्हारे अभी तक बाल है कुछ साल के बाद तुम्हारे बाल भी मेरे जैसे चले जाएंगे क्यों अलग फेज पे तो उसकी तरफ देख रहा था ठीक है आज ही चले गए ठीक है इट्स ओके डोंट टेक अ स्ट्रेस कोई फर्क नहीं पड़ता है शादी होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा देखो

ट कोल इंडिया इन्फी का पीबी कितना था प्राइस टू बुक वैल्यू इधर रेशो रहेगा प्राइस टू बुक देखे का प्राइस टू बुक्यू एट टाइम थ्री पॉइंट टू ऐसे लिया था एट पॉइंट लेटेस्ट लुक एट कोल इंडिया प्राइस टू बुक वैल्यू जस्ट टू टाइम्स लेटेस्ट लुक एट अदर बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट बी एम एल भारत अर्थ मोवन

उन्होंने इलेवन परसेंट दिखाया अभी क्यों इलेवन परसेंट दिखाया उसने कौन सा डेटा लिया है वो देखना पड़ेगा तुमको ई पी एस टू चेक आउट वॉट ई पी एस सी एस टेकन अच्छा कंपनी अलग था क्या अरे अभिषेक बूढ़ा हो गया मैंने कंपनी अलग लिया क्या? इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए इनफोसिस हाँ फाइव पॉइंट सेवन सेवन पॉइंट सेवन सेवन उसने कैल्कुलेशन कब किया है he might not have calculated today, ना

आई वॉन्ट दिस कन्फ्यूजन टू बी एक्सट्रीमली क्लियर आगे जाके हम डिटेल में इसके ऊपर चैप्टर्स आएगा वैल्यूएशन बट क्या समझा तुमको वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या जरूरी है यू शुड बी अर्निंग पॉजिटिव इवा इन्फोसिस रिपोर्टेड इवा फॉर मेनी इयर्स इन देयर एन्यल रिपोर्ट यू मस्ट अर्न अ नो बैट मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने बुक वैल्यू के हिसाब से कैल्कुलेट किया बुक वैल्यू गोइंग फॉरवर्ड एक टाइम आएगा जहां पर आप मार्केट वैल्यू रिकवर करके दोगे तो एक बेसिक इंडिकेटर था वेल्थ क्रिएशन का दिस इज नॉट देटर इज नॉट दट वन ऑफ द बेसिक इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ यू हैव दैट इन सी एनलबस नाउ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड so wealth is created if you are able to earn no pat more than the cost of capital. our entire focus of financial management is on wealth creation. are you clear with the difference between earning yield, roe, and ke? roe is what companies are earning. ke is what are the expectations of investors for a and earning yield is with reference to market value.

इमेजिन करो इन्फोसिस में स्कोप तो है कि ये अर्निंग कभी ना कभी पंद्रह के आगे जाएगा पंद्रह इज अ वेरी हाई डिस्काउंट रेट फॉर इन क्योंकि इन्फी का बिजनेस मैच है रिस्क कम कम है तो के क्या होना चाहिए तुम्हारा? कम होना चाहिए चाहिए तुम्हारा एज अ इक्विटी इन्वेस्टर ऑफ इन्फोसिस यू कैरी मच लेसर रिस्क इन कंपेरिजन टू अदर बिजनेसिस तो इन्फी का केई शुड बी अराउंड इलेवन फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिफर्स हाँ

एंड एक्सपेक्टेशन आर ट्वेल्व परसेंट क्या हो रहा है अगर तुमको याद होगा आई डोट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिकलेक्ट इंटरमीडिएट में आपने एक फॉर्मूला किया था द रेट एट विच यूर प्रॉफिट ग्रो आर ओ सी नहीं था बेटा आर ओई था आर ओई इन टू रिटेंशन रेशो ये इंटरमीडिएट में था मैं आपको सिर्फ आज कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं डिटेल में रिस्पेक्टिव चैप्टर में जाके हम करने वाले हैं ये भी सिलेबस में में ग्रोथ रेट याद आ रहा 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 है है कुछ वैल्यूएशन के लिए बहुत काम में आने वाला मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा और ये भी दिखा रहा हूं कि मेरे को आता है आजकल पब्लिक रहता है डेमो

गॉर्डन वाल्टर मोडी ग्लैनी मिलर ये तेरे कुछ उसमें गॉर्डन वापस है ये वापस है ग्रोथ रेट आप यही फॉर्मेल वापस नहीं इसके अंदर बहुत है इसके हमें इस यहाँ से आर का मैं डुबॉन्ट करूँगा डुबॉन्ट एनालिसिस आर वाला धीरे धीरे सब कुछ लेके आऊंगा दो दिन दे रहा हूँ तुमसे दो तीन मतलब आर ओ ही अभी तुम्हारे दिमाग में इतना गंज लग चुका है यार तुम मतलब कॉस्ट ऑफ डेट इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हो इट्स लाइक गोइंग रॉन्ग ऑन डेबिट एंड क्रेडिट डेबिट साइड होता है लेफ्ट में होता है राइट right में होता है लेजर अकाउंट में डेबिट होता है लेफ्ट या राइट लेफ्ट क्या बात कर रहा है यार यू आर गोइंग रॉन्ग ऑन डेबिट क्रेडिट इट्स लाइक दैट तो ग्रोथ रेट इज सेवन परसेंट इफ योर ग्रोथ रेट इज जस्ट सेवन परसेंट इट विल टेक अल लॉट ऑफ टाइम फॉर अर्निंग्स ईल्ड टू क्रॉस वॉट इज वाई डू नॉट पुट अ मनी इन दंपनीज वेर आर ओई इज लोअर देन वॉट एक हाथ दो साल आई कैन अंडरस्टैंड लाइक तुम बहुत ज्यादा कैपे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो एक्सपेंशन कर रहे हो तो इनिशियल ईयर्स में क्या हो सकता है तुम्हारा आर ओई माइट बी मच लेसर बिकॉज यू हैव रेज द कैपिटल बट अभी तक उसका इफेक्ट पी एंड एल पे नहीं आ रहा है तो आर ओई में क्या होता है डिनोमिनेटर इज कैपिटल न्यूमोरिटर इज अट प्रॉफिट अभी तक दिख नहीं रहा है लेकिन डिनोमिनेटर में क्या चुका आ चुका है कैपिटल आ चुका है तो वंस अ बिजनेस नॉर्मलाइजेस यू शुड एक्सपेक्ट आर ओई टू बी हायर देन केई देन ओनली देर इज अ चांस ऑफ अर्निंग क्रॉसिंग वॉट केई तो तीन ईल्ड्स है ये हमें वैल्यूएशन के लिए बहुत काम में आने लगा इतना सारा एंड एक चीज याद रखना वैल्यूएशन इज एन आर्ट इट इज नॉट अ साइंस फाइनेंस इज एन आर्ट इट इज नॉट अ साइंस लाइक हम जो वैल्यूएशन करेंगे टेक्निक्स लर्न करेंगे कुछ पाँच छः टेक्निक्स अपने सिलेबस में है ज़्यादा नहीं है ऐसा नहीं है कि वो जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके हिसाब से ही सब कुछ चलेगा देर कैन बी डिफरेंट अप्रोच ऑल्सो तो

तो ये अगर बुक वैल्यू के हिसाब से और ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से ले रहे हैं तो यू आर बेसिकली टेकिंग इंडिया जीडीपी डिवाइडिंग इट बाय पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश टू गेट अ पर कैपिटल इनकम ऑफ पाकिस्तान मैच तो करो तो बुक वैल्यू के हिसाब से करेंगे हम तो वेल्थ इज डिनोटेड बाई मार्केट प्राइस सो मार्केट प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ ईपीएस और फ्यूचर कैश फ्लो एट द डिस्काउंट रेट जिसको हम कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं तो चलो मुझे एक बार बेसिक बोलो बच्चों मार्केट प्राइस क्या होता है मार्केट प्राइस इज बेसिकली अगर मैं डीसीएफ अप्रोच लगाओ दिस इज एज पर डीसीएफ अप्रोच मार्केट प्राइस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वॉट बोलो फ्यूचर कैश फ्लोज मार्केट प्राइस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट बोलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब क्या होना चाहिए फ्यूचर कैश फ्लोज और डिस्काउंट रेट शुड करस्पॉन्ड टू ईच अदर अजबेंड एंड वाइफ शुड करस्पॉन्ड विथ ईच अदर एल्स एलॉन मस्क है तो जो कैश फ्लोज आप कंसिडर कर रहे हो और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप लेते हो वो मैच होना चाहिए अगर कैश फ्लोज आपने इक्विटी होल्डर्स के लिए निकाले हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इक्विटी वाला होना चाहिए कैश फ्लोज आपने बिजनेस के निकाले इर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर तो हम उसको बोलते हैं कैश फ्लो फॉर द फर्म फॉर द फर्म मतलब नॉट पार्टनरशिप फर्म फर्म इज अजनेस इफ यू आर कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फॉर द फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी के ओ उसके हिसाब से मार्केट प्राइस देखो अभी ऑब्जर्व मैं क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैश फ्लो ये कौन सा अप्रोच है इसको क्या बोलते हैं हम डी सी एफ अप्रोच देखो मैं क्या लिख रहा हूँ कैश फ्लो एक कॉलम है डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलता हूँ ये अलग अलग वर्ड्स हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंट रेट हर्डल रेट कैपिटलाइजेशन रेट ऑल आर सिनोनिमस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड उसके हिसाब से क्या आएगा कि कौन सी मार्केट वैल्यू है देखो इट्स बेसिकली डिस्काउंटिंग प्राइस इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज तो अगर मैंने कैश फ्लोज इक्विटी वाले ले लिए एफ सी एफ ई एफ सी एफ ई फ्री कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो क्या है वो आगे जाके आएगा डिटेल में आएगा तब कुछ में डिटेल में अभी जस्ट इमेजिन करो कैश फ्लो फॉर इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या लेना चाहिए ये ही लेना चाहिए क्यों कैश फ्लो तो क्या आएगा मार्केट कैप आएगा मार्केट कैप फॉर होम इक्विटी बट मैंने एफ सी एफ एफ ले लिया तो क्या लेना चाहिए के ओ लेना चाहिए टू गेट वॉट एंटरप्राइज वैल्यू करेक्ट ये आगे जाके आपको वैल्यूएशन में काम करेगा इसलिए बेसिक में आज पहला पहले ही दिन मैंने क्लियर कर दिया तुम ताकि दिमाग उस हिसाब से डेवलप हो जाए मतलब आप लिटरली बोलता हूँ मैं ये जो पेपर है ना इसमें से तुमको हार्डली याद रखने वाली पूरा सिलेबस मिला के याद रखने वाली चीजें 5 या 6 घंटे में होने वाली है मतलब फॉर्मुलाज प्लस थे पुट टुगेदर बाकी पूरा पेपर आपके आप, इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग

ऑनलाइन वाला मॉड्यूल रहेगा वो ऑनलाइन तुम तुम्हारा देख लेना और पास होना कमी ना उसमें जो तो इज्जत चली जाएगी उसमें भी फेल हो गए तो ऑनलाइन तो में फेल मतलब तो फिर तो बहुत इज्जत जाएगी तुम्हारी और ऑफिस में बोलना मत किसी को उसमें रिटेक के अटैम्प्ट नहीं आया कि नहीं ऑनलाइन मॉड्यूल अभी तक आया कि नहीं वेबसाइट पर मॉड्यूल आया लेकिन वो लॉग इन करके किधर देखने का क्या करने का वो नहीं आएगा अभी तक जब भी आएगा तब देख लेना यू शुड कीप अ ट्रैक ऑन योर होना तो so बेसिकली हम क्या कर रहे हैं हम बोल रहे हैं कि मार्केट प्राइस और द करंट वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स तो मार्केट प्राइस इज अ डेरिवेटिव ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी हो सकता है या मार्केट प्राइस ऑफ एंटरप्राइज हो सकता है इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी थिंग्स टू विच आर द टू थिंग्स नंबर वन इज अ कैश फ्लोज कैश फ्लोज के जगह पे आप प्रॉफिट ले सकते हो प्रॉफिट एंड कैश फ्लो आर गोइंग टू बी वेरी क्लोज फॉर जेन्यून कंपनीज कंपनीज़। थर्की कंपनी अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया और लोगों ने पागल किसी के बाप ने कैश देखा नहीं पचास रुपए का चीज तीन हजार दो सौ नंपनी प्रॉफिट इन कैश कंपनी अर्न ओनली फाइव परसेंट ऑफ प्रॉफिट इन कैश बट शेयर प्राइस पचास से लेके तीन हजार दो सो दूसरा और एक कंपनी है ब्राइट कॉम अगर आपने पढ़ा होगा अभी सेबी का ऑर्डर आया था दो हफ्ते पहले ब्राइट कॉम करके कंपनी है सेम कहानी है पढ़ के देखो आप ऑडिटर के घर में तीन करोड़ का कैश मिला है और गोल्ड मिले है। अभी भी जस्ट पंद्रह दिन पहले दस पंद्रह दिन भी नहीं हो गए हो गए इंडिपेंडेंस डे के बाद ब्राइट कॉम आज पढ़ना तो लंच में ब्रेक मिला था, तो थोड़ा इंस्टाग्राम छाटने के अलावा वो ब्राइट कॉम पढ़ना ई के आई भी ई के आई तो अभी तक तो 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 नहीं आया अभी जस्ट ऑडिटर का रेजिग्नेशन अभी आया है तो अभी नाउ द थिंग्स विल स्टार्ट अनफोल्डिंग

तो दूर जा चुका हूं उस दुनिया से मार्केट प्राइस कैश फ्लो एंड दूसरा चीज क्या है डिस्काउंट रेट तो कैश फ्लोज पे हम देख रहे हैं कैश फ्लो एंड मार्केट प्राइस बोलो कौन सा रिश्ता इनका पॉजिटिव इफ दैट मींस कैश फ्लोज इंक्रीज दीज पैरिबस मार्केट वैल्यू शुड इंक्रीज So if the expectations of the cash flows increase, logically, market price must increase. It should increase. It may not. Why? Market is not rational all the time. Market can remain irrational for a much longer period. Quite possible. Company is doing good, like Kotak Mahindra Bank, for example. This is again not an investment recommendation. Whatever stocks I discuss in the entire lecture are just for the education purposes. I am not a SEBI registered investment advisor. आजकल वो क्या बजा रहे हैं लोगों की मालूम है तो कोटक महिंद्रा बैंक लास्ट तीन चार साल में कोटक महिंद्रा बैंक का क्या है प्रॉफिट्स बहुत बड़े हैं लेकिन वैल्यूएशन नहीं आया है क्योंकि देर ऑज ऑ ह्यूज ओवरहैंग उदय कोटक जी के बाद कौन आएगा अभी कोटक जी ने तो रिजाइन कर दिया है नया कौन आएगा मालूम नहीं दीपक गुप्ता जी जो अपॉइंट किया वो टेम्पररी है नॉट परमानेंट तो नया मैनेजमेंट कौन होगा क्या होगा अभी तक लोगों को मालूम नहीं तो लोगों ने उसका वैल्यूएशन क्या कर दिया कट कर दिया है कोटक के प्रॉफिट अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं कोटक जो पुराने जमाने में बहुत ज्यादा वैल्यूएशन प्रीमियम कमांड करता था वो प्रीमियम उसका खत्म हो चुका है मार्केट में से वो प्रीमियम आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है बट इन दिस लास्ट टू थ्री इयर्स कोटक ने अपने प्रॉफिट्स या कैश फ्लो वो तो इंप्रूव किए सेम थिंग इज गोइंग ऑन विद डी एफ सी बैंक ऑल्सो टू एन एक्सटेंट सो मार्केट माइट नॉट रिवॉर्ड यू इन अ शॉर्ट रन शॉर्ट रन कैन बी थ्री फोर फाइव ईयर्स रिलायंस के साथ भी वही हुआ था चार पांच साल तक रिलायंस हुआ था अचानक से जग गया तो इट कैन हैपन दैट यू कीप ऑन अर्निंग अ कैश फ्लोज बट दर इज नो इम्पैक्ट ऑन मार्केट प्राइस ऐसा ईयर ऑन ईयर नहीं होता है देखो इतना मेरा कैश फ्लो बढ़ा देखो कैश फ्लो इंक्रीज मल्टीप्लाइड बाई पीबी मल्टीपल प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल उतना मेरा मार्केट कैप बढ़ा ऐसा एग्जैक्ट ईयर ऑन ईयर नहीं होता है एक लाइन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट आएगी इन मार्केट गेन्स आर ऑलवेज लंपी लाइन इन मार्केट गेन्स आर गेन इन मार्केट प्राइस इज ऑलवेज लंपी लंपी इज लमसम गेन्स है ना ऐसा शॉर्ट पीरियड में आएंगे ना आपको यू फाउंड इट अ कंपनी आठ दस दिन के अंदर गेन आ सकता है दस पंद्रह दिन के अंदर गेन आ सकता है स्टॉक माइट नॉट डू एनीथिंग फॉर टू थ्री इयर्स एंड जस्ट एट टू टेन डेज इट कैन गिव ह्यूज रन अप एंड यू मिस दोन डेज तो मार्केट प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन वॉट कैश फ्लोस पॉजिटिवली एंड यहां पर कौन सा रिलेशन रहता है बच्चों इन्वर्स रिलेशनशिप मार्केट प्राइस और डिस्काउंट रेट का ये बेसिक है इंटरमीडिएट का ही बेसिक आपको मैं थोड़े थोड़े एडवांस पॉइंट्स बोल के बोल रहा हूं ताकि मैं आपको वैल्यूएशन के हिसाब से माइंड सेट सेट क्योंकि मार्क्स का वेटेज तो ऑब्वियसली मुझे मालूम नहीं है एज आई टोल्ड यू तुमको भी मालूम नहीं है शूट रिलीज किया तो आ जाएगा बट आई बिलीव प्रॉडली अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन डेरिवेटिव्स फॉरन एक्सचेंज एंड पोर्टफोलियो ये बिग फोर है तुम्हारे चार चैप्टर वैल्यूएशन इक्विटी वैल्यूएशन बॉन्ड वैल्यूएशन मनी मार्केट वैल्यूएशन है बिजनेस वैल्यूएशन आ गया उसमें सारे वैल्यूएशन के चैप्टर्स आ गए उसके हिसाब से ही मनी मर्जर्स एंड एक्विजिशन इज ऑल्सो वैल्यूएशन बिकॉज वैन यू आर एक्वायरिंग अदर कंपनी यू टू बेसिकली डू वॉट वैल्यूएशन तो वो सारे वैल्यूएशन वाले चैप्टर्स है फिर डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर्स कौन से कौन से वाले इक्विटी डेरिवेटिव्स था फॉरेन एक्सचेंज के भी डेरिवेटिव्स थे लेकिन फॉरेन एक्सचेंज को मैं अलग से चैप्टर बोल रहा हूँ और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स था और अभी वो इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स कमोडिटी डेरिवेटिव्स वेदर डेरिवेटिव्स वो भी ऐड किया है दैट विल बी प्रॉलेस थियरी तो वो डेरिवेटिव्स वाला एक पार्ट है तीसरा फॉरेन एक्सचेंज और चौथा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये चार चैप्टर जो है मेरे हिसाब से एम सी क्यू प्लस डिस्क्रिप्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे पुट टुगेदर शुड बी अराउंड सिक्सटी मार्क्स सिक्सटी सिक्सटी फाइव मार्क्स गुड इनफ और बाकी चैप्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट का जो वैर का कैलकुलेशंस है या थोड़ा बहुत स्टार्टअप फाइनेंस का थियरी आ गया तुम्हारा नहीं कर सकते तो वो चैप्टर्स जो है ना उनका वेटेज कंपेरिटिवली कम रहेगा ये सिक्सटी सिक्सटी फायर उससे भी ज़्यादा आएगा ये, ये बिग फोर वाले चैप्टर्स तो आपको वैल्यूएशन का बेस करना है और क्वेश्चन जो है ना बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं आई डोंट वॉन्ट यू टू मेमोराइज लिटरली एनी थिंग सो प्रिंसिपल सेट करो यू विल नॉट हैव टू मेमोराइज एनी डैम क्वेश्चन यू कैन सॉल्व तो मार्केट प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन दीज टू थिंग्स डिस्काउंट रेट इज एंड मार्केट प्राइस है ये पॉजिटिव रिलेशनशिप ये क्लियर है तुमको तो so, ये डिस्काउंट रेट को हम क्या क्या बोले बच्चों कैपिटलाइजेशन रेट बोले देन हर्डल रेट भी बोलते हैं कुछ भी बोलो सो आर ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज दिस वेल्थ दैट इज ऑब्जेक्टिव दिस ऑज अ बेसिक ऑफ वॉट वॉज एफ एम नाउ लेटेस्ट कम डाउन टू सर्टन फॉर्मुलाज बिफोर दैट इफ एन वन डाउट शूट इट अपन वॉट वी आर डिस्कस्ड वन ओके नाउ बहुत सारे कैलकुलेशंस करने के लिए लाइक हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगने वाला है आईआरआर के कैलकुलेशन सबको पूरे सिलेबस में एक दस पंद्रह बार तो करने पड़ेंगे मतलब एग्ज़ाम के अंदर एग्जाम के अंदर दस पंद्रह नहीं एग्ज़ाम के अंदर चार पांच बार आएगा आपको आईआरआर, आईआरआर के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी जरूर जरूरी है तो पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज बेसिकली एक्सपेक्टेशन्स ऑफ

RF, क्या है आएगा अगले चैप्टर में आएगा इल्ड टू मैच्योरिटीएम ऑन टेन ईयर सेक उसको हम जनरली आर एफ का बेंच मार्क करके लेते हैं दुनिया भर में आर एफ फॉर यूएस आर एफ फॉर यूरोप और पर्टिकुलर कंट्री यूरोप एंड आर एफ फॉर इंडिया विल नॉट बी सेम डिपेंडिंग ऑन विच करेंसी you are looking at investment in united states you are looking at risk free rate will be different if you are looking for investment in india risk free rate will be different risk free rate does not remain same so time value of money is a risk free rate plus certain compensation for risk premium so risk free rate basically depends on what inflation rate plus real rate of return so jo rf hai like right now rf in india is परसेंट कहाँ से आता है एफ के वेबसाइट पे मिलता है या आप इंडिया का लिए आर बी आई का वेबसाइट दुनिया भर का चाहिए तो आप इन्वेस्टिंग डॉट कॉम का ऐप पे जाके टेन ईयर ईल्ड सर्च करोगे कोई भी कंट्री का तो आपको मिल जाएगा या ट्रेडिंग व्यू या जो भी प्लेटफॉर्म आपको यूज करना है आरबीआई के वेबसाइट पे नीचे बॉटम में करंट रेट रहता है करंट रेट में मार्केट ट्रेंड रहता है वी आर इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री राइट नाउ सो प्लस टेन ईयर टू थाउजेंड ट्वेंट थर्टी थ्री 2033 RF is going on 7.14 इज 7.18 जो रहता है ये इंटरेस्ट रेट रहता है इंटरेस्ट रेट अलग रहता है दोनों चीजें कंप्लीटली अलग है सेवन पॉइंट वन फोर परसेंट तो सेवन पॉइंट 7.14% फोर परसेंट अगर मेरा रिस्क फ्री रेट है इंडिया का इंफ्लेशन लेट से मैं कंपेयर करू 5 परसेंट डोंट टेक करेंट इन्फ्लेशन because we are talking about a 10 year inflation over the next 10 years let's say i say average out inflation is 5% so when you are investing in this government security you are getting a real rate of 2% out of what out of your uh, 10% how much is gone uh, sorry out of 7 2 is gone uh, 5 is gone in inflation 2 is only real rate of return but when you are evaluating a business यू आर कैरिंग सर्टन एक्स्ट्रा एलिमेंट ऑफ रिस्क वो रिस्क के लिए कितना प्रीमियम मिलना चाहिए दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट रिस्क हमारे सिलेबस में हम जो रिस्क कैलकुलेट करने वाले हैं वो मेजरली एक मॉडल है सी ए पी एम कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल मोबाइल मिल चुका है बट प्रैक्टिकली मुझे लगता नहीं है कि ये इतना ज्यादा रिलेवेंट है एज कंपेयर टू इंटर में आपको नहीं बोल सका मैं इतना सारा चीज़ क्योंकि इंटर में नहीं समझेगा पोर्टफोलियो वाला जब चैप्टर आएगा तब मैं आपको सी ए पी एम तो करना है तो वेल मिल चुका है लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप उसको इंडिया में अप्लाई करके देखोगे या बहुत सारे कंट्रीज में अप्लाई करके देखोगे यू विल फाइंड आउट इट टू बी अ बुकिश मॉडल बट इट गिवज यूर हेड स्टार्ट टू मेजर रिस्क हमारा सिलेबस उधर तक ही लेकिन प्लीज डोंट देन यू गो टू रियल लाइफ डोंट जस्ट यूज सी ए पी एम जब आपको एक ऑडिटर को एक सर्टिफिकेट देना होता है तब सीएपीएम यूज किया वैल्यूएशन का सर्टिफिकेट दिया वो बात अलग है आप जब एक्चुअल डिसीजन लेते हो आई डोंट थिंक एनी फंड मैनेजर्स वुड बी डिसाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ सी ए पी एम सी ए पी एम आपके ऑफिस में अगर आप वैल्यूएशन का काम करते हैं तुम्हारे तो ऑफिस में वैल्यूएशन का सर्टिफिकेट अगर दिया है तो वहां पर मेजरली सी ए पी एम यूज होगा बट वो कंप्लायंस के लिए वैल्यूएशन सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर अ कम्प्लायंस लाइक जरूरत होता है एन यू रेज अ फंड सो कंपनी लॉ के अंदर पास थ्री सी वेबसाइट पे अपलोड करना होता है वैल्यूएशन का सर्टिफिकेट जोड़ना पड़ता है सी ए का सी ए का या जो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर है आर नॉट द ओनली रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स यू शुड नो दैट तो सी ए पी एम के हिसाब से हम रिस्क प्रीमियम मेजर करेंगे बट देर आर डेफिनेटली लॉट ऑफ अदर अप्रोचेस टू मेजर रिस्क टाइम वैल्यू अपनी टोल्ड यू विल नॉट रिमेन सेम यूएस फेलो इन्वेस्टिंग इन इन्फोसिस एंड इंडियन फेलो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैंक है का, वो जब इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो स्टॉक्स रैली क्यों होते हैं बहुत ज्यादा यूएस फेड जब इंटरेस्ट रेट कम करता है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एफ आई आई फॉर इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कम्स डाउन ड्रामेटिकली क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है उनको यूएस युए, ने इंटरेस्ट रेट कम किए राइट नाउ दे आर इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट फॉर लास्ट ऑलमोस्ट वन एंड हाफ ईयर नाउ एक्सपेक्टेड के और अब भी बढ़ा सकते हैं तो यूएस जब इंटरेस्ट रेट कम करता है तो बहुत ज्यादा रैली सबसे पहले आता है वो आई टी स्टॉक्स में आता है इन्फो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स क्यों टेक्नोलॉजी स्टॉक्स आर मोर ऑल मतलब जो इंडियन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी ज्यादा सर्विस ओरिएंटेड स्टॉक ज्यादा है टी सी एस आई रादर देन सेलिंग अ प्रोडक्ट तो यूएस के फेड ने इंटरेस्ट रेट्स कम किया मतलब क्या हो गया डिस्काउंट रेट कम हो गया रिस्क फ्री रेट कम हो गया यूएस के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई तो वो जो पैसा है वो इंडिया में आता है कौन से सेक्टर्स से में ज़्यादा फॉरिनर्स का ओनरशिप है आई टी सेक्टर बैंकिंग में भी है प्राइवेट सेक्टर बैंक स्पेशली बट आई टी सेक्टर में पैसा इमिजिएटली आता है सो इमीडिएटली यू विल सी अ मैक्सिमम कोरिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स इन दू एस फेड एंड आई टी सेक्टर वैल्यूएशन अगर आपको कोई सेक्टर का लिंक ढूंढना ही है तो क्योंकि क्या कम हो जाता है तुम्हारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम होता है वही तो मैंने नीचे लिखा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर एज वेल एज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट ड्यू टू डिफरेंट रिस्क अटैच टू वि अभी हमें फॉर्मूलाज है भी किए हो गए इंटर में भी किए होंगे बट भूल चुके होंगे प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू इज नोन एज अ कंपाउंडिंग फ्यूचर टू प्रेजेंट इज नोन एज अ डिस्काउंटिंग बेसिक फॉर्मूलाज क्विकली एक पांच एक मिनट में फॉर्मुलाज निपटा लेता हूँ आई होप ओके okay, ना मतलब फॉर्मूला इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ वॉट सिंगल कैश फ्लो जस्ट लुक एट द फॉर्मूला सिंगल कैश फ्लो है तो आज की वैल्यू है आई वॉन्ट टू कंपाउंड इट टू अ फ्यूचर वैल्यू पी वी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू वन प्लस आर रेज टू एन बट डोंट टेक इट लाइक दिस लिसन टू दिस मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ मैं फॉर्मूला को ऐसे लिखता हूँ एफ वी एन

तो मुझे लेके जाना है कैश फ्लो एट पॉइंट एट मतलब टाइम गैप इज फाइव फाइव कैन बी मंथ्स फाइव कैन बी ईयर अगर ये years है थ्री ईयर और एट ईयर है तो आर शुड बी ईयरली रेट एन विल बी फाइव दिस एन इज नथिंग बट अ टाइम गैप बिटवीन वॉट दिस एंड दिस तो

It's a CAGR, it's a growth rate, compounded growth rate. It can be annual, it can be monthly. It's a growth rate which allows you to go from one date to another date. Basic formula ka purpose You can jump from one date to another date. Are you clear? Now, if you can go from year 3 to year 8, you can always come down from year 8 to year 3 also. That is discounting. अगर आठ से तीन पे आना है तो यही फॉर्मूला को क्या करो इधर का उधर कर लो यारीवी इज इक्वल टू पी वी चाहिए ना मुझे समझा करे ना ये वन अपॉन वन प्लस आर रेस टू एन को हम क्या बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर और ये वन प्लस आर रेस टू एन को क्या बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर compounding factor will always be greater than 1 it is of 1 single rupee and discounting factor will always be lesser than 1 i hope you got it how do you calculate on calculator let's say discounting factor money at 12% so 1 divided by 1.12 is equal to when you press is equal to you get a factor for first year is equal to again फैक्टर फॉर सेकेंड ईयर एंड सो ऑन सो फोर्थ याद है ना लेकिन कंपाउंडिंग जब करते हो वन पॉइंट ट्वेल्व रेस टू फाइव ईयर का था यह आपके कैलकुलेटर पर डायरेक्ट सेकेंड ईयर से शुरू होता है into equal to करना आपको इसके लिए क्या करना है इंटू इक्वल टू और इसके लिए क्या करना है डिवाइड बाई एक बार प्रेस करना और फिर इक्वल टू इक्वल टू करते रहना है आई होप यू नो बेसिक्स कैलकुलेटर और ज़्यादा कैल जिसको चाहिए मैंने आगे कैलकुलेटर शॉर्टकट भी दिए मतलब इफ समट वीक इन यूजिंग कैलकुलेटर इन सी ए फाइनल ऑब्वियसली इज नॉट एक्सपेक्टेड बट तो ये डायरेक्ट स्क्वेयर देगा तुमको नेक्स्ट ये सिंगल कैश फ्लो हो गया फिर एन्यूटी एन्यूटी इज नथिंग बट सीरीज ऑफ कैश फ्लोज तो बॉन्ड वैल्यूएशन में क्या आएगा बॉन्ड में मैं इन्वेस्ट किया तो कूपन्स जो है बॉन्ड के इंटरेस्ट वो तो फिक्स रहता है

एन्य फैक्टर इन टू वॉट एन्यूटी फैक्टर यह कौन सा फैक्टर है फ्यूचर वैल्यू का है याद कैसे रखना है इसको सिंपल है यह कंपाउंडिंग फैक्टर है तुम्हारा वन प्लस आर रेस टू एन यह है तुम्हारा कंपाउंडिंग फैक्टर कंपाउंडिंग फैक्टर माइनस वन अपॉन आर यह तुम्हारा एन्युटी फैक्टर है कौन सा बोला फ्यूचर वैल्यू अमाउंट ऑफ एनटी मतलब पीरियडिक अमाउंट है यह बच्चों ये जो फॉर्मूला है न्यूमरेटर न्यूमरेटर इज ऑलवेज बिगर देन वन न्यूमरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव नॉट बिगर देन न्यूमरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव कंपाउंडिंग फैक्टर विल बी ग्रेटर ग्रेटर देन देन ना माइनस वन पॉजिटिव रहेगा ये नंबर तो वॉट डज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनटी टेल यू इफ यू आर इन्वेस्टिंग वन रुपी एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ये रेगुलर है दैट्स व एंड ऑफ कभी कभी इमीडिएट भी रहता है नीचे इफ यू आर इन्वेस्टिंग रुपया एट द एंड ऑफ एवरी ईयर देन आफ्टर फाइव इन हाउ मच विल यू रिसीव हाउ डू कैलकुलेट दैट दैट इज कंपाउंडिंग फैक्टर माइनस वन डिवाइडेड बाय वॉट आर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर तो उसमें क्या करना है वन माइनस डिस्काउंटिंग फैक्टर डिवाइडेड बाय आर योर एन्यूटी फैक्टर बट ये प्रेजेंट वैल्यू देगा तुमको लिसन अप वेरी केयरफुली इसको कैलकुलेटर पर शॉर्टकट है इसका क्या करते थे आप इट इज नथिंग बट सम ऑफ़ डिस्काउंटिंग फैक्टर्स आई एम अज्यूमिंग यू आर डन समिंग इन फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट दैट इज वाई एम एक्सपेक्टिंग दिस याद है क्या फॉर एग्जाम्पल चलो मैं बोलता हूँ आर इज इक्वल टू ट्वेल्व परसेंट एन इक्वल टू फाइव और मुझे प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर चाहिए प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर इज टोटल ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर्स हर साल एक एक रुपया मिलने वाला है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है तो कैलकुलेटर पे करो। M plus, M plus, M कितनी बार करोगे पांच एंड देन फाइनली प्रेस वॉट रिकॉल कितना वैल्यू एज ऑन टू इज थ्री पॉइंट सिक्स जीरो बहुत बार लगने वाला है सबसे डेंजरस चीज ये जो फॉर्म्यूला है ना लिसन टू दिस वेरी केयरफुली आई एज्यूम एवरी वन द फॉर्म्यूला अगेन दिस फॉर्म्यूला डज नॉट टेली यू प्रेजेंट वैल्यू और बोले सर तुमने लिखा है प्रेजेंट वैल्यू हां लिखा है मैंने बट ठीक से समझ ये लाइन याद है क्या नहीं मालूम नहीं वी गेट प्रेजेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इन विच एन टी हैज कमें ऐसा जरूरी नहीं है कि एन्यू टी फर्स्ट ईयर में ही शुरू होगा एन टी कैन स्टार्ट फ्टर फोर इयर्स ये फॉर्मूला आंसर कब का देता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन विच एनुटी स्टार्टेड फॉर एग्जाम्पल इफ एन्युटी स्टार्टिंग इन द फर्स्ट ईयर इट विल गिवी वैल्यू एज ऑन टूडे फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग इज टूडे बट मैं बोलता हूं मैं ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूं जिसमें फर्स्ट थ्री ईयर्स के लिए मोरटोरियम है रोटोरियो मतलब नो इंटरेस्ट पेमेंट पहले तीन साल तक कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हो रहा है चौथे साल से इंटरेस्ट पेमेंट होगा फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर फोर्थ से लेकर 10th तक तो आपको क्या करना पड़ता है ऑब्जर्व व्हाट आई एम डूइंग प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर वेर लेट अस से योर डिस्काउंटिंग रेट इज 12% n to 4 टू 10 4 टू 10 इज नॉट इक्वल टू 6 इट इज नॉट इक्वल टू 7 आल्सो Have patience. Fourth year, fifth year, sixth year, seventh year, like this up to 10th year, you are gonna get it. You need to be very careful while calculating annuity factor. Take on your calculator, memory clear. Karo. Kya bola tha? Annuity factor is nothing but sum of discounting factors. You should be taking a sum from year four to year ten. Kya karna hai? One divided by one point twelve. इज इक्वल टू करो और रुक जाओ ये फर्स्ट ईयर का फैक्टर है यू शुड बी इग्नोरिंग फर्स्ट ईयर वाई आई डू एन्यूट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू अगेन सेकेंड ईयर आया स्किप वाई स्किप नहीं है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्किप फोर्थ ईयर नाउ यू प्रेस एम प्लस फिफ्थ ईयर एम प्लस गो ऑन डूइंग इट कैलकुलेटर नहीं ना कम से कम ऑफिस का कैलकुलेटर तो लेके आते थे ऑफिस में स्टेशनरी का ही को रखा प्रिंट आउट यूज करते टाइम पे सोचते नहीं है ऑफिस का प्रिंट आउट निकालेंगे नहीं परसल प्रिंट ऑफिस में हैं हां तो बोले इतना अच्छा आर्टिकल का ट्राई से मिला आंसर बोलो एमआरसी करके कितना 3.24 8 व्हाट इज इट फर्स्ट टूच ईयर स्किप करने हैं एक्सेल पे ये चीजें बहुत आसान रहती है आपको जस्ट टाइप करो पहले साल इग्नोर करो बट एक्सेल नहीं मिलने वाला तुमको एग्जाम में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर अगर एन्यूटी इमीडिएट आ गया या एन्यूटी ड्यू बोलते हैं हम उसको तो उस केस में या आगे जाके हमें बहुत म्यूचुअल फंड के चैप्टर में भी काम में आने वाला है म्यूचुअल फंड में हमें एस के वैल्यूएशन का मतलब एस है तो एस का फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कुछ भी करना क्या आ सकता है वो मैं नहीं बोल सकता तुमको कहां पर एप्लीकेशन आएगा यू कैन नेवर एवर प्रोडिक्ट एन्यूटी इमीडिएट इमीडिएट है तो क्या होता है

प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन रेगुलर निकालो ऊपर के फॉर्मूला से और इसको मल्टीप्लाई प्लस आर करो इट इज जस्ट यू गेट वन मोर पीरियड इंटरेस्ट बिकॉज कैश आर एट द बिगिनिंग तो पहले सिंगल कैश फ्लो के दो फॉर्मूला सीखे हमने फिर हमने किसका फॉर्मूला सीखा एन्यूटी का एन्यूटी के फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के दो प्रेजेंट वैल्यू के दो परपेचुटी परपेचुटी इज फॉर एवर Like this will be helpful for us in finding terminal value of a business. jab hum business ka valuation karenge can you predict the cash flows for the next infinite number of years? Obviously no yaar kyun kaise possible hai Possible ही नहीं ना? तो मैं कोई business का valuation कर रहा हूँ, मैं कब तक forecasting कर सकता हूँ? अगले 5 साल, अगले 10 साल at the most। Can you predict your life after 10 years?

और कंपनी विल ग्रो एट ए जी डी पी माइनस टू परसेंट जी डी पी प्लस टू परसेंट तो उसके लिए परपेचुटी लगता है ये पहला वाला बकवास है दैट इज नो ग्रोथ कॉन्स्टेंट परपेचुटी सेम अमाउंट विल गेट फॉर एवर पीरियॉडिक अमाउंट डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट और एक्सपेक्टेड रेट बट जो काम का फॉर्मूला अपना ये है ये बहुत काम में आने वाला है ये तुमने किए थे फाउंडेशन में किए थे इंटर में भी किए थे शेयर का प्राइस के लिए डी बाई पी प्लस जी अप्रोच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुटी इज इक्वल टू व्हाट? फर्स्ट अमाउंट ऑफ परपेचुटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट माइनस व्हाट ग्रोथ रेट लिसन केयरफुल परपेचुटी कभी भी ईयर वन से नहीं रहता मैं बिजनेस का वैल्यूएशन कर रहा हूं ठीक से सुनना आई एम डूइंग वैल्युएशन ऑफ अस फर्स्ट फाइव इन मैंने कैश लोज प्रोजेक्ट किए हैं, एस्टीमेट किए 6th ईयर ऑनवर्ड स्टिल परपेच्युइटी आई डोंट नो कैश फ्लो परपेच्युइटी कब से शुरू हो रहा है 6th ईयर ऑब्जर्व प्रेजेंट वैल्यू इज फर्स्ट कैश फ्लो क्या लिखा है न्यूमरेटर में मैंने फर्स्ट अमाउंट फर्स्ट अमाउंट कब आएगा बच्चों 6th ईयर सो वी हैव टू टेक टीएफ 6 हियर टू टेक व्हाट

प्रेजेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन विच परपेचुटी स्टार्टेड सो ये जो पी वी है ना इसको हम पी वी के जगह पे लिखते हैं वी वी इज वैल्यू एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर बिगिनिंग ऑफ सिक्स ईयर मींस एंड ऑफ फिफ्थ ईयर सो दिस इज वैल्यू एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर विच इज नथिंग बट परपेचुटी ट वैल्यू आर पर फ्रॉम सिक्स टू मैचुरिटी आई होप यू अंडरस्टैंड दैट नेक्स्ट लास्ट वन इफेक्टिव एन्युअल रेट इट इज नथिंग बट सी एच ई आर इफ यू नो लाइक फ्यूचर वैल्यू मालूम है प्रेजेंट वैल्यूम ऑलवेज फाइंड आउट सी एचर बट मेरे को फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंटली दिया ही नहीं क्वेश्चन परसेंट पर एनम इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली

Oh, m is number of times compounding is done in one year 4 raised to 4 minus 1 that should be somewhat higher than 12% just do it point 0.12 upon 4 plus 1 raised to 4 raised to 4 ke into equal to karke, square the direct then third power fourth power minus 1 बोलो कितना आता effective annual rate 12. Point.

टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज आपको मालूम है कैश फ्लो कब होने वाला है और उसका डेट मालूम है या इयर एंड मालूम है अपने सिलेबस में डेट नहीं रहता है अपने कैश्लोज एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफरियड इज ऑलवेज एंड ऑफ द प्रीवियस पीरियड इन सी ए कोर्स बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ द कैलकुलेटर दैटम कैश फ्लोज आर ऑलवेज एट द एंड तो अगर मुझे कैश फ्लो मालूम है और कब कब हुआ है कैश फ्लो वो मालूम है वी कैन फाइंड अ डिस्काउंट रेट एट विच एन पी वी इज जीरो उस डिस्काउंट रेट को हम बोलते हैं आई आर आर उसी को हम आगे जाके बोलेंगे वाई टी एम ऑफ अ बॉन्ड आई आर आर वाई टी एम ईल्ड टू मैच्योरिटी इज नथिंग बट आई आर आर समझेगा आई आर आर बहुत काम में आएगा इट इज नथिंग बट अ कंपाउंडेड रेट बट रियल लाइफ में बच्चों डेट रहता है आई होप यू रिमेंबर वन फंक्शन दट आई मस्ट है तुमको रियल लाइफ में क्या रहता है कैश फ्लोज डोंट अकर एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द ईयर कैश फ्लोज कैन अकर एनी टाइम तो रियल लाइफ में आपने अभी अब तक तो कभी यूज नहीं किया ये फंक्शन आज प्लीज ज़्यादा जाके ऑफिस में यूज करना इफ यू हैव फॉर इन यूर लाइफ आपने अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में एस किया हुआ है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अलग अलग डेट पे तो डेट और कैश फ्लो इफ वी नो डेट एंड द कैश फ्लो डेट जो जो डेट पे आपने एस किया है वो डेट्स यहाँ पे टाइप करो या एक्सेल में एक्सपोर्ट करके लो कैश फ्लो पहले आपके आउटफ्लोज रहेंगे एस के लिए इनफ्लोज भी रह सकते हैं पहले कुछ भी हो सकता है अगर लोन लिया लोन के केस में पहले इनफ्लो होता है बाद में आउटफ्लो होता है इन्वेस्टमेंट के केस में पहले आउटफ्लोज होते हैं बाद में इनफ्लोज हो सकते हैं या कभी भी इनफ्लो कभी भी आउटफ्लो हो सकता है और आज की डेट लिख के यहां पर टू वैल्यू लिखो यू कैनॉट हैव ऑल आउटफ्लोज और ऑल इनफ्लोज फॉर कैलकुलेशन देर मस्ट बी सम इनफ्लोज सम आउटफ्लोज एंड देन यू यूज अ फंक्शन कॉल्ड एज एक्स आई आर आर इन एक्सेल एक्स आई आर आर ब्रैकेट में पहले डेट आता है कैश फ्लो आता है वो याद नहीं मेरे को एक्सेल में टाइप करते आता है उधर पहले डेट्स हो सकता है बाद में वैल्यू आ सकता है या पहले वैल्यू आ सकता है फिर डेट आ सकता है और उसमें गैस भी देना पड़ता है गैस नहीं दिया तो भी चलता है ट्रायल एंड एरर दिस इज अगेन ट्रायल एंड एरर इट इज नथिंग बट अ डिस्काउंट रेट एट विच नेट प्रेजेंट वैल्यू इज जीरो बट रियल लाइफ इज बेस्ड ऑन एक्स आई आर आर सी ए कोर्स इज बेस्ड ऑन आई आर आर प्रॉब्लम इज बिकॉज कैलकुलेटर नहीं है सेम है आई आर आर एंड एक्स आई आर आर एट द एंड ऑफ यहां पे ये यह, आर क्या आर में कुछ भी पैटर्न हो सकता है एक्सप्लेन तो किया है आई ऑलरेडी एक्सप्लेन तो आई जब आपको कैलकुलेट करना है और इन्वेस्टमेंट सिचुएशन है कैपिटल का चैप्टर है तुम्हारे में तो अभी Add हो गया है कैपिटल बजेटिंग केस में क्या होगा इन्वेस्टमेंट है तुम डिस्काउंट रेट इंक्रीज करते हो इंक्रीज इन डिस्काउंट रेट विल लीड टू एनपीवी डिक्लाइनिंग एनपीवी विल कम डाउन ड्यू टू वॉट इन्वेस्टमेंट एंड अपोजिट विल हैपन वेन यू डिक्रीज डिस्काउंट रेट सो इन्वेस्टमेंट सिचुएशन में दर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉट डिस्काउंट रेट एंड एनपीवी दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप अभी अभी मैंने मार्केट प्राइस के लिए भी बोला था आपको बट बोरोइंग रहेगा बॉन्ड्स केस में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉन्ड इज अ बोरोइंग बोरोइंग केस में यू इंक्रीज डिस्काउंट रेट फ्रॉम टेन परसेंट टू ट्वेल्व परसेंट दिस इज इंटरमीजिएट आई एवरीथिंग एनपीवी विल ऑल्सो इंक्रीज ये आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम पे यूज़ किया है बोरिंग इज बेसिकली गोइंग टू बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल कैलकुलेटर शॉर्टकट्स भी दिए मैंने यहाँ पर जिसको नहीं आता है कैलकुलेटर यूज़ करना ये मैंने टाइम वैल्यू अपनी के बेसिक्स बोले हैं। आई अजूम यू हैव लर्न दिम इंटरमीजिएट कुछ बेसिक्स जस्ट टू ब्रश अप एंड टू गेट स्टार्टेड ये टाइम वैल्यू अपनी हो गया देन वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन रेशोस क्यू कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज क्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो ये कॉन्सेप्ट भी मैं कल कवर अप कर लूंगा एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी वी शुड बी एबल टू सॉल्व सम बेसिक क्वेश्चन क्वेश्चन सी ए फाइनल आपको चैप्टर बेसिक है लेकिन क्वेश्चन बेसिक नहीं रहेंगे क्वेश्चन में आपको फाइनल का लेवल पहले क्वेश्चन में आपको खानदान याद दिलाएगा आपका मतलब फाइनल विल मेक यू रिमेंबर देर आर सटन पेपर्स विच विल मेक यू रिमेंबर टॉयलेट फॉर श्योर और वो होना ही चाहिए तब जाके तुम

चार पाँच महीने चलेगा क्योंकि बीच में दिवाली है गणपति है तो बहुत सारी छुट्टी है तो आई वॉन्ट टू टेक इट अप फॉर मोर टाइम पर डे ताकि अब जल्दी भी खत्म कर पाओ ऑब्वियसली बीच में ब्रेक दूंगा तो सु करके आना है तुमको आ सकता है वो प्रॉब्लम नहीं है तो जो जिनको पॉसिबल मैं व्हाट आई वांट पहला हफ्ता छोड़ दो मतलब दिस वीक फ्रॉम द नेक्स्ट वीक व्हाट आई एम प्लानिंग इज फोर आवर्स अडे मैं पर्पज दो चैप्टर करूंगा मतलब एक जिसको मॉर्निंग में आना पॉसिबल है मॉर्निंग में आ जाओ या आप लाइव स्ट्रीम घर पे करना है लाइव स्ट्रीम घर पे अटेंड कर सकते हो रिकॉर्डिंग भी अपलोड होते रहेगा हर रोज बाकी क्या है ना ये तो बीच में अभी गणपति का छुट्टी आएगा इधर एरिया ब्लॉक रहता है मतलब ऑप्शन ही नहीं है वापस दिवाली का छुट्टी आएगा अब छुट्टियाँ छुट्टियाँ छुट्टिया संडे है ये है वो है तो वो फिर आपको बाई द टाइम वी गो टू लास्ट चैप्टर पहला चैप्टर क्या था वो तुमको याद नहीं रहता है मेरे को तो याद रहता है क्योंकि अब इतनी बार सीखा चुका हूँ लो ही नहीं बैठा इंटरमीडिएट में क्या होता है वो एट अ स्ट्रेच चलता है फाइनल दो दो ढाई ढाई घंटा करके मतलब दो ढाई घंटा किया तो दो सौ लेक्चर्स लगेंगे दो घंटे के हिसाब से लगे तो दो सौ ने सॉरी करूँ मैं हंड्रेड टू हंड्रेड आवर्स है हंड्रेड लेक्चर्स लगे हंड्रेड डेज हो गए दो घंटे के हिसाब से हंड्रेड डेज प्लस आप छुट्टियाँ ऐड करो वो बनता है एक सौ दिन तक पच्चीस परसेंट छुट्टी अब दिवाली वगैरह इसकी वजह से आएगी तो वो हमें कम कर रहे हैं नंबर ऑफ डेज ताकि वो एब्सॉर्ब हो पाए तो अगर आपके ऑफिस में लेट अलाउड है मुझे कुछ बच्चे चाहिए सारे बच्चे नहीं रहे तो भी चलेगा तो स्टूडियो है तो उसमें आठ छः सात बच्चे बैठ सकते हैं स्टूडियो के अंदर इतने नहीं बैठ पाएंगे लाइव स्ट्रीम में कोई लिमिट नहीं है हाई लाइव स्ट्रीमिंग वाला वो ऑप्शन वगैरह आ जाएगा तो आई एम प्लानिंग इज दिस वीक चलो आपको पहला हफ्ता है थोड़ा सा टाइम जाने दो सेवन टू नाइन एंड देन नाइन फिफ्टीन टू इलेवन फिफ्टीन ऐसे चार चार घंटे हम ले पाए कुछ कुछ ऑफिसेस है जहाँ पर आप लेट आ सकते हैं सही तो मैं बोल सकता हूँ उनको पुणे में है तो कोई दिक्कत नहीं तो मैं हाँ कोई भी कोई भी होगा आई आई कैन स्पीक दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम नाइन तो मैं क्या करूँगा दो चैप्टर शुरू करूँगा दूसरा चैप्टर इंडिपेंडेंट ले लूँगा इट्स बेसिक एक बार हो गया आपका मॉर्निंग में एक चैप्टर चलाऊंगा आफ्टरनून में एक आफ्टरनून uh, नहीं अपना दूसरा स्लॉट में दूसरा चैप्टर चलाऊंगा ताकि जिसको सिर्फ मॉर्निंग स्लॉट अटेंड करना है आप मॉर्निंग स्लॉट लाइव बैठ के घर पे अटेंड करो और दूसरा आपको रिकॉर्डेड देखना है तो देखो फाइनल में कुछ भी करो सारे चैप्टर्स लाइव अटेंड करना बहुत कम बच्चों को पॉसिबल होगा बच्चे का भी प्रॉब्लम रहता है ऑफिस का भी प्रॉब्लम रहता है दोनों है ऑफिस आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स आर टू लार्ज एक्सटेंट स्टूडेंट्स आर रिस्पॉसिबल मेरे को नहीं लगता कोई ऑफिस सुबह सात बजे खुलता है बट सुबह सात बजे बच्चा नहीं उठता है जाने का मन नहीं करता ये बहुत बार होएगा ये बहुत बार होएगा इट इज़ फाइनल में आने के बाद ना डिसिप्लिन बहुत कम होता है लेट मी टेल यू होता है यार वो बच्चा रीजंस क्या है वो छोड़ दो इट्स ओके बट यू नीड मुझे पाँच छः बच्चे चाहिए जो एटलीस्ट वो सवा नौ से क्योंकि कैलकुलेशन में आई आर आर मैं नहीं कर सकता कैलकुलेशन <laughs> करने के लिए मुझे कुछ तो लोग चाहिए तो सवा दिस वीक वी विल हैव इट लाइक दिस इन द मॉर्निंग नेक्स्ट वीक आई विल पुट अप वॉट डबल सेशंस तो अभी मुझे चाहिए सुबह आने के लिए क्योंकि क्या है मुझे क्लासरूम अरेंज करना है और स्टूडियो अरेंज करना है तो कितने लोग आ पाएंगे मेरे ऑफिस में तो बोल रहा हूँ नहीं सवा ग्यारह तक आ पाएगा तुम तो। सुबह सर के ऑफिस में ले कौन कर तुम तुम सुबह सर का ऑफिस में हाँ तो तुम हो गया तुम्हारा हो गया अरे किसके भी ऑफिस है मैं फ़ोन करता ना मैं जो भी चाहिए वो मेरे को बोलो मैं उनको आप ले इन तक देखो आपको इन तक तो वैसे भी रुकवाएंगे सप्टेबर का सीज़न में मेरे को लगता नहीं कोई रात में जल्दी घर पर आ पाएगा कॉपी तो नहीं है यार मतलब मेरे सी ऑफिस है और टैक्स ऑडिट रहेगा या ट्रांसफर प्राइसिंग रहेगा कुछ भी रहेगा तो मेरा ऑफिस में कितने बजे नौ बजे इतना जल्दी नौ बजे रात में जाके सोते यार तुम लोग कल जल्दी गए थे अच्छा एक बजे हाँ फिर ठीक है देन इज नॉर्मल सी ऑफिस हाँ बोलो सवा ग्यारह तक कौन कौन आ सकता है मॉर्निंग स्लॉट आई लव टू प्रॉब्लम क्या है वो ऋषभ सर ने शाम का बैच था उन्होंने सुबह कन्वर्ट कर दिया तो शाम में उस टैक्स ऑडिट की जिससे बच्चों को शाम में इशू आ रहा है तो दो क्लासरूम उसके इंटर का और फाउंडेशन का बैच भी इधर है तो क्लासरूम का भी इशूज है और स्टूडियो का भी इशू है तो स्टूडियो में तो आठ दस बैठ जाएंगे स्टूडियो बना लिया है वो आज उसका काम ख़त्म हो जाएगा कल वो काम ख़त्म नहीं किया था ऑनलाइन पब्लिक तुम्हारा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो कैसे करेंगे ऑनलाइन तुम बाय बाय करता हो तुमको भी बाकी इनसे बात करता हूँ